जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? बच्चों आवाज़ आ रही है? यस क्लास मैम। अच्छा जी, और स्टूडेंट्स का वेट कर लेते हैं। और बेटा सबसे पहले तो ये बात है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब आई डोंट नो इस वक्त जो इस वक्त प्रेजेंट है उनमें से कुछ कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओरल क्विज टेस्ट जो था वो नहीं दिया, बट आपका 5% का टेस्ट था और आप में से बहुत सारे बच्चे जो थे वो एबसेंट थे उस टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो एबसेंट थे तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका 5% तो वो सीधा सीधा जो है वो ज़ीरो काउंट हो गया। ठीक है, मैंने आप सबसे कहा था कि जो है वो इतना मुश्किल नहीं होगा, बट स्टिल आप में से बहुत सारे बच्चे जो थे वो एबसेंट थे, तो जो एबसेंट थे फिर उनका वो जो है वो ज़ीरो काउंट हुआ होगा। एनीवेज चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैम आपने प्रीवियस लेक्चर अपलोड नहीं किया हुआ है एलएमएस पे? अच्छा, वो ना मैंने ड्राइव के साथ शेयर किया हुआ है। एक्चुअली हो ये रहा था कि वो मैंने उसका लिंक भी शेयर करने की कोशिश की है, वो लेक्चर पता नहीं लेंथी है या क्या उसमें प्रॉब्लम है, वो शेयर हो नहीं रहा। मैम मेल के जरिए सेंड कर दें फिर। वो बेटा मैंने किया हुआ है ड्राइव के साथ, तो लिंक शेयर है आपका, आप देखें ज़रा ड्राइव का लिंक। एलएमएस पे है मैम? नहीं बेटा, जीमेल पे। ओके ठीक है, जीमेल पे जो मैं आपके साथ गूगल ड्राइव की जो लिंक शेयर किया हुआ है ना, उसमें मैंने रिकॉर्डिंग लेक्चर दोनों जो है वो शेयर किए हुए हैं। ठीक है, आप लोग एक दफ़ा वहाँ से देख लें। जस्ट वेट अ मिनट, अच्छा अब लास्ट लेक्चर में बेटा हमने जो है वो डिस्कस किया था कि सीटी स्कैन क्या होता है। ठीक है जी, थोड़ा सा उसको हमने रिव्यू किया था और उससे मैंने आपको बताया था, मैं आपको ज़रा दिखाई दूँ। अच्छा जी ये देखें, इनका मैं आपको शेयर कर दूँ। तो बच्चे ये जो है वो देखें, आपका ये है इंट्रोडक्शन टू सीटी। ठीक है, ये हमारा 8th लेक्चर था, तो ये यहाँ पे लेक्चर भी शेयर है और इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर है अगर आप ड्राइव का लिंक खोलते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ड्राइव के लिंक से देख लीजिएगा, वैसे मैं एलएमएस पे भी ट्राई करूँगी कि ये अपलोड हो जाए। एनीवेज लास्ट हमारा 8th लेक्चर था, टुडे वी आर हैविंग आवर 9th लेक्चर, दैट इज़ बेसिकली अबाउट द सीटी स्कैन फॉर पेरिफेरल रीजंस। ठीक है जी, सीटी स्कैन हमने लास्ट इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि सीटी स्कैन जो है वो क्या होता है, उसकी मशीन का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था और फिर हमने उसका प्रिंसिपल पढ़ा था। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो कुछ इसकी बेसिक्स पढ़ी थी। ठीक है जी, आज बेटा मैं आपको बताऊंगी कि अपर लिम और लोअर लिम में अगर हमने जो है वो सीटी स्कैन के इमेजेस देखते हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यूज देखते हैं, तो वो हमें किस तरह के नज़र आते हैं या आप उसको जो है वो किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके जी, सीटी स्कैन ऑल्सो नोन एज कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है जी, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि कंप्यूटर टोमोग्राफी ये है कि बेसिकली टोमोग्राफी इज़ कि जब हम स्लाइसेस में इमेज हम पढ़ रहे हैं, मेक्स यूज़ ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी एक्सरे मेजरमेंट्स टेकन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स प्रोड्यूसेस क्रॉस सेक्शनल टोमोग्राफिक इमेजेस ऑफ स्पेसिफिक एरियाज ऑफ अ स्कैन ऑब्जेक्ट अलाउंग द यूज़र टू सी इनसाइड द ऑब्जेक्ट विदाउट कटिंग इट। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि सीटी स्कैन हमें क्रॉस सेक्शनल इमेज दे रहा है, हमें स्लाइसेस में इमेज दे रहा है। एक क्वेश्चन मैं आप सबसे कर रही थी वाइवा में कि बेटा हमें सीटी स्कैन क्यों क्रॉस सेक्शन या साइज इमेज दे रहा है, तो आप सबको इसका एक प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा था, मैंने आपको बताया भी था लेक्चर में, मैं फिर से बता देती हूँ। इसलिए दे रहा होता है बिकॉज हम इसको डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट प्लेन्स के ऊपर ही हमारी बॉडी को जो है वो रेस जो है वो इस आ रही होती हैं और इमेज जो है वो ये हमारा कैप्चर कर रहा होता है। ठीक है, आपको मैंने जब सीटी स्कैन लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने प्लेन्स पढ़े थे और मैंने आपको बताया था कि हम बॉडी को कितने डिफरेंट प्लेन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सीटी स्कैन जब इमेज लेता है तो वो डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट प्लेन्स में आपकी बॉडी को जो है वो देख रहा होता है और बॉडी को इमेज को जो है वो कैप्चर कर रहा होता है। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न कि ये आपकी बॉडी का स्लाइसिस या क्रॉस सेक्शनल इमेज जो है वो ले रहा होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी? क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग इज यूजली यूज्ड टू रेफर टू सीटी, एमआरआई, पेट एंड स्पेक्ट एंड रिलेटेड इमेजिंग टेक्निक्स दैट व्यू द बॉडी इन क्रॉस सेक्शनल आईई एक्सियल क्रॉस सेक्शनल स्लाइसिस। ठीक है जी, अब क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है? हम यूजली क्रॉस सेक्शनल स्टडी को जो है वो रेफर कर रहे होते हैं उन
मोडेलिटीज़ के साथ जहाँ पे हमें क्रॉस सेक्शनल इमेज जो है वो मिल रहे होते हैं या हमें डिफरेंट स्लाइसेस में इमेज जो है वो मिल रहे होते हैं। ठीक है, आपको याद होगा जब मैंने आपको पेट और स्पेक्ट पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने आपको दिखाए थे कि हमारे पास स्लाइसेस के अंदर इमेज थे। ठीक है, इसी तरह से जब हम MRI पढ़ेंगे तो वो भी हमें स्लाइसेस में इमेज दिखा रहा होता है। ठीक है, सेम CTP जो है वो हमें क्या कर रहा होता है, स्लाइसेस के अंदर इमेज दिखा रहा होता है। तो अगर आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि कौन सी मोडेलिटीज़ हमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी के लिए हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो आप मुझे बताएंगे MRI, PET, SPECT यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें जो है एक्सरे उसमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी नहीं हो सकती क्योंकि क्रॉस सेक्शनल इमेजेस नहीं आ रहे। फ्लोरोस्कोपी में हमारे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है वो क्रॉस सेक्शनल इमेजेस नहीं आ रहे। ठीक है जी, ओके। सो ये CT का जो इंट्रोडक्शन था उससे रिलेटेड एक हमारा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। अब हम जो है वो आज अपर लिम और लोअर लिम को जो है वो सेपरेटली जो है वो डिस्कस करेंगे। आपको पता है मेजर जॉइंट जो है हमारे पास जैसे कि ग्लिनोहेमरल जॉइंट है, ठीक है, शोल्डर जॉइंट है आपका जो कि स्कैपुला के साथ अटैच हुआ हुआ है, एल्बो जॉइंट है और रिस्ट या हैंड है हमारा। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन जो है वो स्टडी कर लेंगे। अच्छा जी, शोल्डर एक्सरे। अब बेटा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैंने आप सबसे वाइवा में पूछी लेकिन आप लोग थोड़ा सा क्लियर आंसर नहीं कर पाए, वो ये था कि जो है वो मैं आपसे पूछी थी कि हेयर लाइन फ्रैक्चर के लिए हम कौन सी मोडेलिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप सब कह रहे थे CT स्कैन, वो आपका आंसर ठीक है। ठीक है, आप CT स्कैन ही हम प्रेफर करेंगे, बट हमेशा आप एक बात याद रखें कि जो आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक टूल है दैट इज़ फॉर बोन्स के लिए। ठीक है ना, वो एक्सरे ही है। मतलब फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि कोई पेशेंट गिरा है और उसका फ्रैक्चर हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले एक्सरे करवाएंगे। ठीक है, एक्सरे जब हम करवा लेंगे हमें उसके अंदर इमेज क्लियर नहीं हो रहा होगा और पेशेंट के साइन से लग रहा होगा कि इसको फ्रैक्चर है या हमें सस्पेक्ट हो रहा होगा कि इसको फ्रैक्चर है, हमें एक्सरे के ऊपर हल्की सी कोई लाइन नज़र आ रही होगी, हमें सस्पेक्टेड होगा, तो मज़ीद उसको क्लियर करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, CT स्कैन करवाएंगे। ठीक है, इसी तरह जब भी हमने CT स्कैन करा होता है तो उससे पहले हम एक प्लेन रेडियोग्राफ यानी कि एक प्लेन जो है वो एक्सरे उस रीजन का कर लेते हैं। ठीक है, ताकि एक्सरे के अंदर जो चीज़ें हमें विजुलाइज हो रही हैं पहले हम वो देख लें और उसके बाद उस चीज़ों को या उन एरियाज़ को मजीद विजुलाइज करने के लिए फिर हम क्या करें, CT स्कैन कर लें। तो ये अब आपने माइंड में रखना है कि हमने जो भी रीजन का CT कराना है उससे पहले उसका एक प्लेन रेडियोग्राफ जो है वो हमने ले लेना है। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मुझे एक्सरे को देख के याद आई है कि एक क्वेश्चन मैंने कुछ स्टूडेंट से किया कि बेटा एक स्पायरल एक्सरे था, सॉरी स्पायरल फ्रैक्चर था ये ह्यूमरस के शाफ्ट का। ठीक है, अब एक स्टूडेंट थे उनको वो नहीं जो है वो डायग्नोज करना आ रहा था कि वो फ्रैक्चर है। मैंने कहा बेटा आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये रीजन कौन सा है, और उनको वो उन्होंने कहा जी ये रीजन जो है वो कौन सा है, ये फीमर है। ठीक है, तो आपको याद होगा बेटा कि जब हमने एक्सरेज पढ़े थे तो मैंने आपको वहाँ पे एक बात बताई थी कि हमेशा ये देखें कि वो जो है वो बॉडी का कौन सा रीजन है। ठीक है, पहले ये डायग्नोज करें, एक्सरे देख के पता चल गया कि ये शोल्डर जॉइंट है, ये अपर लिम का अपर लिम है, अपर लिम में कौन सा जॉइंट है, जी शोल्डर जॉइंट है। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट क्या देखना है कि ये कौन सी साइड है, राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। ठीक है, फिर थर्ड थिंग क्या देखनी है कि उसमें डिफॉर्मिटी क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप चलें। अब आप देखें बेटा उस इमेज के अंदर क्लियरली नज़र आ रहा था कि ये ग्लिनोहेमरल हेड है। चलें कि आपको नहीं समझ आई, ओके फाइन, बट आपको रिब्स तो नज़र आ रही है ना। ठीक है, जब रिब्स नज़र आ रही हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये फीमर है। ठीक है, तो इसलिए रटलाइजेशन की बात नहीं होती है, थोड़ा सा आप जो है वो कॉमन सेंस को यूज़ करके जो है वो देखा करें ताकि एटलीस्ट। अब देखिए ना, अगर वो मुझे कह देते कि भाई ये जो है वो शोल्डर जॉइंट है तो इतना आंसर भी आपका जो है वो करेक्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है वो सिरे से बिल्कुल ही एक ब्लंडर क्वेश्चन का आंसर कर देंगे तो वो फिर क्या होगा कि आपको वहाँ पे टीचर के पास इतना सा भी एज नहीं बचता कि वो आपको 1 या 1.5 मार्क्स दे दे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे ये चीज़ जो है ना वो आप लोगों ने ज़रूर देख लेनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इंडिकेशंस। इंडिकेशंस क्या हैं जिसमें हमें CT कराने की ज़रूरत पड़ती है, शोल्डर CTs कराने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड एवेलुएट ब्लड क्लॉट्स। ठीक है जी, ब्लड क्लॉट्स आपने देखने हैं कि कहाँ पे पड़े हुए हैं। कोई ट्रॉमा हो गया और हमें लगता है कि अंदर कहीं ब्लड क्लॉट पड़ा हुआ होगा, वो कहाँ है उसको देखने के लिए। कोई मैस है, कोई ट्यूमर है, उसको देखने के लिए। अब एक और क्वेश्चन मुझे ट्यूमर से याद आया, मैं आप सबसे पूछ रही थी कि न्योप्लास्टिक कंडीशंस को स्टडी करने के लिए हम कौन सा जो है वो मोडेलिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, न्योप्लास्टिक कंडीशंस है तो उसमें डेफिनेटली वो क्या है, वो कैंसर टिश्यूज थे। ठीक है, जो न्योप्लास्टिक कंडीशंस थी, तो आप में से किसी को मुझे कुछ शायद बच्चों को आई थिंक आया भी होगा लेकिन कुछ को नहीं भी क्लियर था कि न्योप्लास्टिक कंडीशंस के लिए हम कौन सी मोडेलिटी प्रेफर करते हैं। तो वो ट्यूमर्स को न्योप्लास्टिक कंडीशंस के लिए हम CT को जो है वो प्रेफर करते हैं। ठीक है, देन कोई इन्फेक्शन है, कितना स्प्रेड हुआ हुआ है, कहाँ तक गया हुआ है, उसके लिए आप CT यूज़ करेंगे। सॉफ्ट टिश्यूज़ को अगर हमने बहुत ज़्यादा स्टडी करना है इन डिटेल, इसके लिए भी हमें टीयर्स अगर नहीं पता चल रहे किसी और मोडेलिटी के थ्रू तो आप CT यूज़ कर सकते हैं। कोई ट्रॉमा हो गया है, डिसलोकेशन है, फ्रैक्चर है, वो हमें नहीं प्लेन रेडियोग्राफ में नज़र आ रहा तो आप कर सकते हैं यूज़
सर्जरी से पहले हमने कोई प्लान बनाना है कि इस पेशेंट की जो है वो किस तरह से सर्जरी होनी चाहिए, कोई कौन सी सर्जरी के लिए अप्रोच यूज़ करनी है, ठीक है, उन सारे डिटेल्स के लिए हमें चाहिए होगा ये, और ऑफ ट्रीटमेंट आफ्टर इंजरी, ठीक है, कोई भी इंजरी हुई और हमने उसका ट्रीटमेंट दिया है, वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव है या नहीं है, वो भी हम सीटी के थ्रू कर सकते हैं। जी बच्चे, ट्यूमर्स के लिए हमारे पास जो है वो सीटी बेहतर है, ठीक है, बट अगेन बच्चे ये ना डिपेंड कर रहा होता है कि पेशेंट आपके पास किस कंडीशन में, अगर उसकी कोई बहुत ज़्यादा कंडीशन स्प्रेड की हुई है, लेट सपोज अगर कोई ट्यूमर है, ठीक है, वो ग्रेड 4 के साथ ट्यूमर है और वो पहले इंटेस्टाइन में था और अभी हमें लग रहा है कि वो स्प्रेड करके जो है वो कहीं ब्लैडर तक चला गया है, ठीक है, और हमें MRI में वो क्लियर नहीं हो रहा, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, उसके स्लाइसिस करके देखना पड़ेगा कि वो ब्लैडर पे अगर चला गया है तो वो ब्लैडर के किस लेवल तक गया हुआ है, ठीक है। ओके देखिए, इस तरह तो बच्चे हमने टेंडन्स और लिगामेंट्स भी हमने पढ़ा था कि जो है वो हम एक्सरे में देख सकते हैं, डिसलोकेशन भी देख सकते हैं, फ्रैक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है, तो इंडिकेशंस ऑलमोस्ट दोनों की आपस में सेम ही है, लेकिन बस ये है कि पेशेंट की कंडीशन पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं जो अभी ट्यूमर वाली बात मैंने की है, क्योंकि अभी तक हमने MRI जो है वो नहीं पढ़ा, ठीक है, बट एक्सरे में हमें ट्यूमर जो है वो नहीं नज़र आएगा इतना क्लियरली, ठीक है, जो ट्यूमर अब तक अभी हमने जो मॉडलिटीज पढ़ी हैं उसमें ज़्यादातर आपको सीटी पर नज़र आएगा, या क्योंकि हम फ्लोरोस्कोपी में जो है वो इंजेक्ट करके डाई देख रहे होते हैं तो उसमें भी नज़र आ सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है जो इम्पॉर्टेंट बात है, अच्छा जी, स्टार्ट अबव AC जॉइंट। अब बच्चा FOV इज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। FOV क्या होता है? फील्ड ऑफ विजन, ठीक है। जब भी हमने किसी भी बॉडी के एरिया का सीटी स्कैन करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक फील्ड ऑफ विजन जो है वो सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फील्ड ऑफ विजन का क्या मतलब है कि मैं कहूँगी कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना जो है वो स्लाइसिस में शोल्डर को जो है वो देखना है, ठीक है। अब आपको पता है कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और इसमें हमारे पास जो है वो क्लेविकल भी इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है। आपने अगर पेशेंट्स देखे हों या आगे देखेंगे इंशाल्लाह तो आपको पता चलेगा कि शोल्डर का जो पेशेंट होता है उसमें स्कैपुला भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है जी, उसके अंदर AC जॉइंट भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे मसल्स हैं हमारे शोल्डर के जिनकी अटैचमेंट जो है वो क्लेविकल के ऊपर आके हो रही होती है, स्टर्नम के ऊपर आके हो रही होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें पूरा उसकी इन डिटेल लेने के लिए हम अपना कहेंगे कि हम एक फील्ड ऑफ विजन जो है वो CT स्कैन के ऊपर पहले से बना लेते हैं कि हमने AC जॉइंट से लेके तो ह्यूमरस के यहाँ तक जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ से हमने स्लाइसिस के अंदर पूरा शोल्डर जॉइंट को विजुलाइज करना है, ठीक है। तो ये हमने पहले बना लिया, उसके बाद जैसे ही हमने बनाया फटाफट हमें CT ने इस तरह के सारे इमेजेस दे दिए। अब बच्चों इसमें रटलाइजेशन की कोई बात नहीं है, ठीक है, इसको समझ के जो है वो देखने की कोशिश करें, ठीक है जी। देखें अब ये जो है सबसे पहले आपके पास ये हमारे पास क्या है, ह्यूमरस है, ठीक है, ह्यूमरस का हेड ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है जी, स्कैपुला है, ठीक है, जिसको मैं कहूँगी स्पाइन ऑफ द स्कैपुला है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा एक और बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैंने आपको जब लास्ट लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि CT में भी प्रिंसिपल एक्सरेज ही यूज़ हो रही हैं, ठीक है, और जो ग्रे स्केल हमने पढ़ा था एक्सरेज के अंदर, ठीक है, कि एयर हमें ब्लैक नजर आएगी, बोन हमें व्हाइट नजर आएगी, सॉफ्ट टिश्यूज हमें डार्क नजर आएंगे, वो ही सेम स्केल हमारे पास CT के अंदर भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो आपने उस चीज़ को जो है वो कन्फ्यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो व्हाइट हमारे पास नजर आ रही है ये होगी हमारे पास बोन, डार्क रे हो गए हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज या फिर मसल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस, ये हो गया हमारे पास स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। अब बच्चे ये जो हमारे पास है और ये हो गया हमारे पास क्या, क्लेविकल, ठीक हो गया। ये तीन बोन तो हमने फटाफट डायग्नोज कर ली। अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये मसल कौन सा पड़ा हुआ है, ठीक है जी, ये मसल है हमारे पास सुपरा स्पाइनेटस। अब बच्चों आप लोगों को मैं बार बार कहती हूँ एनाटॉमी रिवाइज करें, ठीक है, ताकि आपको मसल्स जो है वो भूलें ना। बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको मसल्स की ऑरिजन, इंसर्शन और जो भी ग्रुप ऑफ मसल्स हैं वो पता हूँ, ठीक है। अब आप देखें सबसे पहले है, ये हमारे पास पड़ी हुई स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, तो स्पाइन ऑफ द स्कैपुला के साथ हमारे पास सुपरा स्पाइनेटस है, ठीक है। स्पाइन के साथ कौन सा मसल पड़ा हुआ है, ऊपर पड़ा हुआ है स्पाइन के साथ है, तो क्या है, सुपरा स्पाइनेटस मसल पड़ा हुआ है। अब मैं आपको ये अगर इमेज शो करके पूछूं जी ये क्या है, तो आप मुझे इजीली बता सकेंगे कि ये स्पाइन ऑफ द स्कैपुला है, इसके साथ सुपरा स्पाइनेटस मसल पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे जी, सुपरा स्पाइनेटस को कट हुआ नीचे चला गया इमेज, ठीक है। अब जी जो नीचे वाला सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास सुपरा स्पाइनेटस के नीचे क्या पड़ा हुआ है, इंफ्रा स्पाइनेटस पड़ा हुआ है, ठीक है जी, इंफ्रा स्पाइनेटस पड़ा हुआ है, ओके। तो ये क्लियर हो गया होगा हमें। अब उसके बाद क्या है, चूंकि हम नीचे गए हैं तो हमें हेड ऑफ ह्यूमरस मजीद क्लियर हो गया, ओके। यहाँ पे ग्लिनोइड फोसा हमें नजर नहीं आ रहा था क्योंकि ऊपर सुपरा स्पाइनेटस पड़ा हुआ था, नीचे गए तो फौरन से हमें ग्लिनोइड फोसा भी नजर आ गया, ठीक है जी, और ये स्कैपुला थोड़ी सी अब कम नजर आ रही है,
ठीक है, जिस स्पाइन ऑफ द स्कैपुला ऊपर रह गई थी, अभी नीचे हमारे पास जो है वो स्कैपुला का जो बॉर्डर्स हैं वो नज़र आ गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इंट्रास्पाइनेटस। ये हमने तीनों चीज़ें पहले ही डायग्नोज कर ली थी कि क्या थी। और ये जो मेजर मसल है बच्चे, ये है हमारे पास डेल्टॉइड। आपको पता है मेजर मसल है शोल्डर का, और इसके डिफरेंट फाइबर्स होते हैं इंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर। ये हमें इंटीरियर और पोस्टीरियर फाइबर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट। अब बच्चे देखें, उसके नीचे हम गए हैं। अब मैं आपको फिर से ये बताती हूँ कि हम इस तरह जा रहे हैं, ये 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 ये, मतलब ऐसे स्लाइसेस के अंदर पड़े हैं ना, ये स्लाइस पड़ा, ये स्लाइस पड़ा, ये स्लाइस पड़ा। ठीक है जी, ऊपर से नेक्स्ट स्लाइस में गए। अब इससे नीचे वाले स्लाइस ने हमारे पास क्या देखा, यहाँ पे जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने पहले डायग्नोसिस लिया था जी, हेड ऑफ ह्यूमरस था। ठीक है जी, ये हमने पहले बता दिया था स्कैपुला था। ठीक है, अब क्लेविकल यहाँ पे हमें इतनी क्लियर नजर नहीं आ रही, वो साइड पे हो गई। अब इंपॉर्टेंट बात जो है वो बेटा, अपने ऊपर रख के इसको देखें कि ये आपका शोल्डर है। अब यहाँ से क्या हो गया, चेस्ट का रीजन भी जो है वो हमें नजर आना शुरू हो गया। ठीक है, तो चेस्ट का रीजन नजर आना शुरू हो गया है जब, यानी कि शोल्डर के आगे जो हमारी चेस्ट है वो नजर आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि वहां पे कौन से मसल हमें नजर आ जाएंगे, पेक्ट मेजर और पेक्ट माइनर। पेक्टोरेलस मसल जो हमारे शोल्डर का मेजर मसल होता है, सॉरी चेस्ट का मेजर मसल होता है, ठीक है, वो हमें नजर आ जाएगा। तो हमने बता दिया जी, जहाँ पे हमें सीटी स्कैन में शोल्डर के साथ चेस्ट का रीजन नजर आ गया, वहाँ पे हमें जो जो फाइबर्स नजर आ रहे हैं वो पेक्ट मेजर और पेक्ट माइनर के हैं। ठीक है, ये भी बात हो गई, यहाँ पे रटे की कोई बात नहीं होगी। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो वो क्या है, सबस्कैपुलरस एक मसल है, ठीक है जी, और एक है टीरीज माइनर। ये दो मसल आपको जो है वो यहाँ पे ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये क्या इनका रीजन है, आप देखें, ये दोनों मसल्स अगर हम देखें, सबस्कैपुलरिस टीनीज माइनर जो हमारे बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला होते हैं इसके साथ अटैच होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऊपर गए थे स्पाइन के साथ, सुप्रास्पाइनेटस था, उसके नीचे इंफ्रास्पाइनेटस पड़ा हुआ था। अब मजीद जब हम नीचे गए बॉर्डर्स के पास, तो जो बॉर्डर्स के पास मसल पड़े हुए थे वो हमें नजर आना शुरू हो गए। ठीक है, यहाँ तक भी ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें भी ये सेम है, इसको बेशक आप स्किप कर दें। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाली जो इमेज है इसमें देखें, अब आप बच्चे अगेन वही है, हेड ऑफ ह्यूमरस नज़र आ रहा है, स्कैपुला और क्लेविकल अब हमें इसमें ज़्यादा विजुलाइज नहीं हो रही। ठीक है, जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे वो क्या है, ये है 13 और 14 पॉइंट। ठीक है, कि यहाँ पे हमें जो बिल्कुल हम नीचे वाले इमेज पे चले गए, यानी कि प्रॉक्सिमल जो है इसके पास चले गए, ह्यूमरस के पास, तो हमें लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स नज़र आ गया। यानी कि मैं आपको कहूँ कि जो ये वाली साइड होगी ना, ये वाली, ये हमें क्या दिखाएगी, लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड ऑफ द, ये बाइसेप्स का टेंडन यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो जब स्लाइस यहाँ पे आया तो स्लाइस ने यहाँ आके हमें क्या दिखा दिया, शॉर्ट एंड लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स दिखा दिया। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसी तरह से अगर मैं आपको ये इमेज दिखाती हूँ तो ये अब आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है जी, कि ये हमारे पास ह्यूमरल हेड था, ये हमारे पास जो थी वो स्कैपुला का स्पाइन ऑफ द स्कैपुला थी, ये हमारे पास क्लाविकल थी। ठीक है जी, और मैंने आपको बताया था कि जहाँ स्पाइन ऑफ द स्कैपुला नजर आ रही है बिल्कुल उसके ऊपर सुप्रास्पाइनेटस मसल अटैच होगा। ठीक है, उससे नीचे इंट्रास्पाइनेटस बड़ा हुआ होता है। अब बेटा यहाँ पे इंट्रास्पाइनेटस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे इंट्रास्पाइनेटस नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, पड़ा हुआ होता है, लेकिन मजीद अगर हमने देखना है कि उसके अंदर कोई टीयर है या नहीं है, तो फिर हमें स्लाइस के सेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है लेकिन ये नीचे पड़ा हुआ है, तो इसलिए एक टेंडन उसका नजर आ रहा है, तो वो वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, उसको भी लेबल कर दिया। ठीक है जी, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हेड के साथ हमारे पास जो एक मेजर मसल है, दैट इज द डेल्टॉइड मसल। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे कोई जो है वो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, आप थोड़ा सा इसमें परेशानी की बात नहीं है, या आप उसको देख के परेशान नहीं हों कि ये स्लाइसेस हैं और हमें समझ नहीं आएंगे। अगेन मैं कहूँगी थोड़ी सी अपनी एनाटॉमी रिवाइज करें। ठीक है, और जिस तरह से मैंने आपको स्टेप्स में बताया है, इन्हीं स्टेप्स में याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। जहाँ पे आपको नहीं समझ आती कोई पॉइंट, तो आप हैंड रेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके, अच्छा जी, शोल्डर आर्थ्रोग्राम। एन आर्थ्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ इमेजेस ऑफ अ जॉइंट आफ्टर इंजेक्शन ऑफ अ कंट्रास्ट मीडियम, यूजुअली डन बाय फ्लोरोस्कोपी आर सीटी इन अ पेशेंट हु इज नॉट एमआरआई कंपैटिबल। अच्छा जी, अब आर्थ्रोग्राम आपको याद होगा, मैंने एंजियोग्राफी पढ़ाई थी, और एंजियोग्राफी में मैंने आपको बताया था कि एंजियोग्राम हमारे पास एक इमेज आ रहा था। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आर्थ्रोग्राम क्या होता है कि हम कभी भी किसी भी जब डाई को कंट्रास्ट को इंजेक्ट करके एक इमेज देखते हैं उसको हम कहते हैं आर्थ्रोग्राम। ठीक है, अब हम सीटी में भी कंट्रास्ट इमेजिंग करते हैं, हम एक्सरे में भी कंट्रास्ट इमेजिंग करते हैं, हम फ्लोरोस्कोपी में भी कंट्रास्ट इमेजिंग करते हैं। ठीक है जी, तो अब अगर हम कहेंगे सीटी में हम अगर कंट्रास्ट इमेज कर रहे हैं उसका क्या रीज़न हो सकता है, और अगर शोल्डर से रिलेटेड मैं आपको बताऊं तो, ठीक है, तो ग्लिनॉइड लैब्रम आपको पता है बड़ा एक सॉफ्ट टिश्यू का हमारा एक स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर अगर कोई टीयर हो जाए तो उसमें भी हमें सीटी ही करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको ना ही एमआरआई पे नजर आएगा ना ही आपको सीटी सॉरी एक्सरे पे इतना अच्छा नजर आएगा। ठीक है, इसके अलावा रोटेटर कफ के जितने भी मसल्स हैं अगर उनका कोई टीयर हो जाए तो भी हमें देखने के लिए ये कराना पड़ेगा। अब कौन सा बच्चा मुझे जल्दी से बताएगा कि रोटेटर कफ के मसल्स कौन से हैं, जल्दी से, शाबाश। मैम, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस,
वेरी गुड, टीवीज माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, ये सारे हमारे रोटेटर कफ के मसले हैं और ये आपसे पूछने का मतलब ये था बेटा, बिकॉज हमारे पास रोटेटर कफ टेंडनाइटिस, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो। ठीक है, तो आपको ये रोटेटर कफ के मसल्स, इनकी ऑरिजन, इंसर्शन जो है वो पता होनी चाहिए, सप्लाई पता होनी चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद जब हम एक आर्थोग्राम बेसिकली इस तरह का आपको एक पास एक इमेज आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये इतना क्लियर नहीं है, वैसे जो एक्चुअल इमेज होता है वो इससे भी ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है, जिसमें आपको टिश्यूज, बोन्स और वो सारा बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा होता है। एनी वेज, चूँकि हमने ज़्यादा इसमें विजुलाइज करना था रोटेटर कफ के मसल्स को और लेब्रम को, तो हमने जो डाय था उसी लेवल के ऊपर आर्टिकुलर कैप्सूल के अंदर इंजेक्ट किया ताकि वो यही वाला रीजन जो है वो हमारे पास क्या हो, विजुलाइज हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आर्थ्रोग्राम, और ईसीटी में भी हम कंट्रास्ट इमेजिंग करते हैं, और उस कंट्रास्ट इमेजिंग का यही मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई भी जो है ऐसी चीज़ जो कि हमें नहीं पता चल रही, तो वो हमें इसके ऊपर अच्छे से विजुलाइज हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट एल्बो सीटी स्कैन शोल्डर हो गया, शोल्डर का अब आपको याद रहेगा। ठीक है जी, अब आ गया है नेक्स्ट हमारे पास एल्बो एक्सरे। अब एल्बो एक्सरे, मैंने आपको बताया कि सीटी स्कैन से पहले हमने एक एक्सरे का प्लेन रेडियोग्राफ ले लेना है। बेटा ये सारी बातें अब हम एक्सरे वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि रेडियल हेड कहाँ है, ट्रोक्लिया किधर है, ओलिक्रोनिन प्रोसेस किधर होता है, ठीक है, और मैंने आपको बता दिया था कि आपने ये जो है वो मार्किंग्स आपको नॉर्मल एक्सरे के ऊपर जो है वो करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब अगर एक बच्चे को ये नहीं पता होगा कि रेडियल जो है वो मीडियल साइड पे है या लेटरल साइड पे होती है, तो क्या होगा, वो एक्सरे को जो है वो पकड़ के उसकी नॉर्मल जो है वो भी नहीं कर सकेगा, आप कह सकते हैं कि एक डायनामिक पोजीशन भी जो है वो एक्सरे की नहीं बता सकेगा। ठीक है, तो बच्चे थोड़ी सी अपनी एनाटॉमी जो है वो रिवाइज करें, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ स्टूडेंट हैं जिनको इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, उनको बेसिक्स जो है वो भूली हुई है, पढ़ी तो आपने हैं बट भूल गई हुई है, तो उनको ज़रा रिवाइज कर लें। अच्छा जी, अब इंडिकेशंस क्या हैं, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ हो गई है कोई, ठीक है जी, कोई लूज बॉडी है या कोई भी एक्सटर्नल बॉडी है जो कि हमें लगता है कि पड़ी हुई है और हमें पता नहीं चल रहा उसका, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस हुआ हुआ है, ठीक है जी, जो है वो इन्फेक्शन हुआ हुआ है, ठीक है, वहाँ पे आपको नहीं पता चल, सॉरी इन्फ्लेमेशन हुई है आपको नहीं पता चल रहा उसको आप देख सकते हैं, फ्रैक्चर की एनाटॉमी है, ठीक है जी, फ्रैक्चर है नहीं डायग्नोज हो रहा, यूजली हमारे पास रेडियल हेड का फ्रैक्चर हो जाता है, और रेडियल हेड आप देखें बड़ा छोटा सा है, तो इसका यहाँ से ऐसे फ्रैक्चर होता है और हमें ये नज़र नहीं आता। ठीक है, तो इसके लिए भी हम फिर सीटी कराते हैं। अच्छा, नीचे लिखा भी हुआ है रेडियल हेड फ्रैक्चर डिप्रेशन, ठीक है जी, तो डिसलोकेशन हो गया, फ्रैक्चर हो गया, ये सब अगेन वही बात है कि इंडिकेशंस ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही होंगी, बट पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होगा। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपने अब मिक्स नहीं करना कि ये जो ये हमने गोल पढ़ा था कि ये गोल जो हेड जो था वो सिर्फ शोल्डर में ही नज़र आ रहा था, आप देखें कि यहाँ पे हेड है और हेड के साथ हमें कंडाइल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हमने शोल्डर पढ़ा था तो शोल्डर में हेड के साथ हमें कोई कंडाइल्स वाला टाइप का कुछ नज़र नहीं आ रहा था, एक सीधी सी स्पाइन ऑफ द स्कैपुला टाइप या एक जो है वो ब्लेड टाइप एक बॉडी अपीयरेंस नज़र आ रही थी। ठीक है, अब जब हम गए एल्बो के अंदर, तो एल्बो के अंदर क्या हुआ कि हमें एक हेड के साथ या एक जो है वो राउंडेड प्रोजेक्शन के साथ हमें कंडाइल्स नज़र आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टल हिमरस का पार्ट है जिसका मीडियल और लैटरल एपिकंडाइल है, ओलिक्रोनिन प्रोसेस है। अब ये हमने डिपेंड करता है कि सीटी आपने जो लिया हुआ किस लेवल पे लिया हुआ, अगर हम लेते हैं सीटी एट द लेवल ऑफ ओलिक्रोनिन प्रोसेस, ठीक है, तो उसमें हमें ओलिक्रोनिन नज़र आएगा, मीडियल और लैटरल एपिकंडाइल्स नज़र आएंगे। आपको पता है बेटा ओलिक्रोनिन प्रोसेस जो हमारे पास एल्बो पे एक बोनी प्रोजेक्शन होती है, इसको हम कह रहे होते हैं ओलिक्रोनिन प्रोसेस। ठीक है, तो फ्रैक्चर होता है तो अक्सर पेशेंट को, क्योंकि बोनी प्रोजेक्शन है मोस्ट प्रोमिनेंट है, यहाँ पे भी पेन आ रही होती है, इसका फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो डायग्नोज करने के लिए हम ओलिक्रोनिन के प्रोसेस के लेवल पे जो है वो सीटी कराते हैं। अब अगेन अगर आपको मसल्स याद होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मीडियल एपिकंडाइल के साथ हमारे पास प्रोनेटर टीडीज अटैचमेंट होती है और लैटरल एपिकंडाइल के साथ ब्रैकियोरियलिस की अटैचमेंट होती है। ठीक है जी, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास ब्रैकियलिस मसल है। इसी तरह से अब हम क्या किया, हमने डिस्टल ह्यूमरस के लेवल पे लिया, मतलब हमने ओलिक्रोनिन प्रोसेस को निकाल दिया और सिंपल सिर्फ डिस्टल ह्यूमरस के लेवल पे देखा, तो वहाँ पे हमारे पास क्या नज़र आएगा, कंडाइल्स नज़र आएंगे, प्रोनेटर टीडीज भी होगा, जो है वो ब्रैकियोरेडियलिस मसल भी होगा, ब्रैकियलिस भी होगा। ठीक है, साथ एक और मसल जो कि हम अपर आर्म के लेवल पे आ गए हैं, तो हमारे पास कौन सा मसल आ जाएगा, ट्राइसेप मसल जो है उसकी अटैचमेंट भी आपको नज़र आ जाएगी। आपने जब भी याद करना है तो इसी तरह याद करना है कि ओलिक्रोनिन के लेवल पे क्या नज़र आ रहा था और अगर डिजिटल ह्यूमरस के लेवल पे देखेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो एट द लेवल ऑफ रेडियल हेड। अब रेडियल हेड के लेवल पे अगर हम देखें तो जो है वो आपको पास अगेन प्रोनेटिटीज ब्रैकियोरेडियलिस उधर ही रहेंगे। अब हम क्या हो गया है, मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। देखिए बच्चों, हमने पहले देखा है इसके लेवल पे देख रहे हैं, अगर हम ये डिजिटल ह्यूमरस के लेवल पे, तो क्या नज़र आएगा, मीडियल और लैटरल एपिकंडाइल नज़र आएगा और जो यहाँ पे मसल लगे हुए हैं वो नज़र आएंगे। नीचे साइड आ गई इस लेवल पे देख लिया जब हमने, ठीक है, तो जब इस लेवल के ऊपर देखा तो फिर हमें क्या नज़र आया,
ओलिक्रोनन भी नजर आ गया और मीटियर और लेटर एपिकंडाइल भी नजर आ गए, ठीक है। अब हमने क्या किया जी, मजीद नीचे आ गए, इस सेक्शन के ऊपर आ गए, ठीक है। तो जब इस सेक्शन के ऊपर हम आ गए तो हमें क्या नजर आ गया, रेडियल हेड नजर आया और साथ हमें क्या नजर आ गई, अल्ला जो पड़ी हुई थी वो भी नजर आ गई है, ठीक है। तो इस तरह हम ऊपर से नीचे 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 आहिस्ता आहिस्ता सेक्शंस में जा रहे हैं। आपको ऑटोमेटिकली अगर ये माइंड में इमेज याद होगा तो आप खुद ही पता चल जाएगा कि अगर इस लेवल पे था स्लाइस तो क्या हुआ होगा, इस लेवल पे स्लाइस है तो क्या नजर आएगा, इस लेवल पे स्लाइस है तो क्या नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जब रेडियल हेड के लेवल पे आए तो वहाँ हमें अल्लाह भी नजर आ गई और अल्लाह के पास हमारे पास छोटा सा एक हेडफोन ये मसल अटैच होता है और वो भी हमें नजर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा मजीद नीचे आ गए हैं हम, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको अगेन यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ से शुरू किया था और अब हम यहाँ आ गए हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ आएंगे तो हमें और कोई बोनी अटैचमेंट यहाँ नहीं होती है, यहाँ पे हमें सिर्फ फ्लेक्सर और एक्सटेंसर के टेंडन्स जो हैं वो नजर आएंगे, ठीक है जी। आपको पता है कि आपके एक्सटेंसर रेटिनोक्युलम और फ्लेक्सर रेटिनोक्युलम होता है और वहाँ पे एक्सटेंसर के एक्सटेंसर रेटिनोक्युलम में एक्सटेंसर टेंडन्स पड़े होंगे और फ्लेक्सर रेटिनोक्युलम में फ्लेक्सर सारे मसल्स जो हैं वो पड़े होंगे। बहुत ज़्यादा अगर इसको आपको डिफ्रेंशिएट नहीं भी करना आता है, एटलीस्ट यू शुड नो कि अगर आपको इस तरह का एक सेक्शन दिखाया जाए फोर आर्म का तो उसमें रेडियस और अल्ला कहाँ पड़ी हुई है, ठीक है, मीडियल और लेटरल किधर है, ठीक है, और उसके बाद एक्सटेंसर्स कहाँ पे लोकेट होंगे और फ्लेक्सर्स कहाँ पे होंगे। आपको पता है जो हमारी पामर साइड है, ठीक है, वहाँ पे आपके फ्लेक्सर्स होते हैं और जो आपकी जो है वो बैक ऑफ द पाम की साइड है, पोस्टीरियर साइड है, वहाँ पे आपके क्या होते हैं, एक्सटेंसर्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने शुरू किया, ठीक है जी, इधर ही लेवल पे देखा मीडियल लेटरल एपिकंडाइल नजर आया, नीचे आ गए ओलिक्रोनन मीडियल एपिकंडाइल और लेटरल एपिकंडाइल नजर आया, और नीचे आए तो रेडियल हेड और अल्ला नजर आ गई, ठीक है जी, और नीचे आ गए इधर स्लाइस आ गया तो इधर स्लाइस ने हमें रेडियस अल्ला और फ्लेक्सर और एक्सटेंसर्स मसल दिखा दिए, ठीक है बच्चों। तो आपने इसी तरह ही कट सेक्शन के अंदर इसको याद करना है। अब मुझे बता दें आपको एल्बो और शोल्डर जब तक है वो क्लियर हो गया तो हम आगे मूव करते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी बच्चों को प्रॉब्लम है तो हैंड रेस कर दें, हैंड रेस कर दें क्योंकि मैंने आपको म्यूट किया हुआ है। अच्छा, किसी को मसला नहीं है, चलें फिर हम आगे चलते हैं। अब आ गया है रिस्ट सीटी स्कैन, शोल्डर हो गया, एल्बो हो गया, अब हम आ जाते हैं रिस्ट के ऊपर। अच्छा बच्चों, अब रिस्ट अगेन वही बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेन रेडियोग्राफ करा लेंगे, ठीक है जी बच्चों। अब रेडियस अल्ला पहले हमने देख ली, रेडियोग्राफ लिया, उसके अंदर पहले फटाफट हमने उसकी लेबलिंग कर ली ताकि हमें जो पता चल गया कि जी ये वाली जो है वो बोन्स यहाँ पड़ी हुई होंगी, ठीक है, तो हमारा एक जो नॉर्मल एनाटॉमी थी वो सारी रिवाइज हो गई, ठीक है। उसके बाद स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्रेपीजियम, ट्रेक्यूट्रियम जो है वो ट्रेपिजॉइड, पिसीफॉर्म, हिमेट बोन है, ऊपर मेटाकार्पल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये हो गया कि हमारा बेसिकली एपी व्यू था और ये जो है वो लेटरल व्यू है, ठीक है। डिपेंड करता है कि हमने क्या देखना है, अब जैसे फॉर एग्जांपल स्केफॉइड का फ्रैक्चर होता तो हमें इस व्यू में से ज़्यादा इस व्यू के अंदर पता चल रहा होता, ठीक है। तो एनीवेज आप इसके ऊपर फोकस करें और ये वाला एक जो एक्सरे है इसको जो है वो उसकी लेबलिंग आपको आनी चाहिए। अच्छा जी, अब इंडिकेशंस, क्लिनिकली सस्पेक्टेड फ्रैक्चर्स नॉट सीन ऑन द प्लेन रेडियोग्राफ, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स दैट रिक्वायर्ड फर्दर इवैल्यूएशन, कार्पल फ्रैक्चर्स, हिमेट एंड स्केफॉइड बोन, ठीक है जी। अगेन आपको याद होगा कि मैंने आपको स्पेसिफिकली जब एक्सरे पढ़ाए थे तो उसमें स्केफॉइड के लिए आपको एक मैंने बताया था कि स्केफॉइड का फ्रैक्चर हो जाए तो हम एक स्पेसिफिक लेते हैं व्यू, वो कौन सा है मुझे कोई बच्चा बताए जल्दी से, शाबाश इकरा, आप बताएं आपने हैंड रेज किया है। मैम ओब्लिक व्यू, ओब्लिक व्यू था उसका एक नाम था स्पेसिफिक, उसका नाम भी बताया था मैंने आपको, नाम याद करें बच्चों उसके फाइट फ्रैक्चर के लिए जो मैंने स्पेसिफिक एक्सरे का व्यू बताया था उसका एक नाम भी था मैम, जूडेट व्यू, ठीक है। अच्छा जी, शुक्र है किसी को याद था। एनीवेज अच्छा जी, ठीक है बच्चों, तो उसके बाद क्लिनिकल सस्पेक्ट फ्रैक्चर हो गया, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलेशन, हीलिंग, ठीक है जी। अगेन वही सारी इंडिकेशंस हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा जी, अब अगेन एक मैंने ये व्यू ऐड किया हुआ था क्योंकि जब हम ये पढ़ेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, ठीक है। स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रियम, पिसिफॉर्म, हिमेट, कैपिटेट, ट्रेपीजॉइड एंड ट्राइक्यूट्रियम बोन है। अच्छा, अब आप लोगों ने जब पढ़ा होगा एनाटॉमी तो आप लोगों ने जरूर यकीनन कोई ना कोई निमोनिक बना के इसको याद किया होगा। हमने आई थिंक पढ़ा था तो कुछ इस तरह था कि सोफिया लॉरिन ने टिंडे बनाए या कुछ इस तरह का, आई डोंट नो था, ठीक है। एनीवेज आप कोई भी निमोनिक बना के इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह हमें याद नहीं रहता क्योंकि आपको पता है एनाटॉमी भी इटसेल्फ जो है वो उसमें कुछ बातें जो है वो रिटलाइजेशन वाली हैं। अब जो बोन जहाँ पड़ी है वो वहाँ पड़ी हुई है, उसका आप क्या कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ठीक है। ऐसे जो चीज़ें इस तरह की होती हैं रिटलाइजेशन वाली, उसकी आप निमोनिक्स बना लिया करें ताकि आपको बाद में याद रहे। अच्छा जी बच्चों, उन्होंने मुझे जजेट व्यू बताया है। Yes, मैं तो वो तो एसिटेबुलर ओब्लिक व्यू है मैम, उसका मैम ओब्लिक व्यू है उसके लिए।
यस मैम ओब्लीक है, ओब्लीक तो होगा या लेटर या ओब्लीक होगा, लेकिन उसका एक स्पेसिफाइड नाम शायद मैंने आप लोगों को मैम इसमें आप स्पेशल व्यूज के और आगे ओब्लीक में ही आपने बोला था कि ओब्लीक में ये वाला आता है और दूसरे नेम्स उसके लिए थे। अच्छा नहीं नहीं स्टाइल मैंने मेरे लेक्चर जरा हाई लेवल वाले बने हुए उसमें हमारे पास है मेंशन। एनीवेज हो सकता है मैंने आप डाल दिया हो, ठीक है चलें कोई मैम आप क्या पूछ रही हैं दोबारा पूछिएगा। बेटा हम स्केफॉइड फ्रैक्चर वाला डिस्कस कर रहे थे कि किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे जेटेड व्यू कहा था, आप सही कह रहे हैं जेटेड व्यू वाज फॉर द एसिटेबुलर फ्रैक्चर। स्केफॉइड के लिए मैंने आपको आई थिंक के कोई व्यू बताया था स्पेसिफिकली, अब मैं देख लेती हूँ अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही बता दूँ तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ऐसे कीजिएगा कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के आइएगा, ठीक है हम टाइम वेस्ट नहीं। रिस्ट ऑब्लिक व्यू था, सिंपल ओब्लीक था, चलिए ओब्लीक होगा। एनीवेज यहाँ बताने का जो है वो ये मैं कहाँ चली गई, मकसद ये था कि आप लोगों को याद है या नहीं। अच्छा जी बैक टू द लेक्चर आ जाते हैं। अब अगेन बेटा देखिए फील्ड ऑफ विजन, जब से मैंने आपको कहा कि हर एक सिटी से पहले हमने फील्ड ऑफ विजन ले लिया, अब हमने इसकी क्या करनी है जी, फील्ड ऑफ विजन हमने ले ली कि जी हमने यहाँ से शुरू करना है और हमने यहाँ तक आना है, ठीक है जी कार्पस तक आना है और हमने ये जो है वो रिस्ट जॉइंट से जो है वो शुरू कर दिया अपना, ठीक है। अब अगेन ये देखिए सबसे पहले हमारे पास ये आ गया है, अच्छा जी स्केफॉइड और ल्यूनेट दो हमारे पास मेजर बोन्स आ गए हैं। अब आप खुद सोच लें कि अगर हम जो है वो सीटी स्कैन यहाँ से लेना शुरू करें तो हमें क्या नजर आएगा, स्केफॉइड और ल्यूनेट नजर आएगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ वो क्या होगा, अच्छा आप लोग अपने माइक को प्लीज म्यूट रखा करें अदरवाइज पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। स्केफॉइड ल्यूनेट नजर आएगी और यहाँ पे साथ क्या पड़ा हुआ है, ये जो हमारी एक बोनी प्रोजेक्शन होती है वो क्या होती है, स्टीलॉयड प्रोसेस ऑफ द अल्ना होती है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमें यहाँ पे नजर आ गई पहले साइज के अंदर, स्केफॉइड ल्यूनेट और पिसी सॉरी स्टीलॉयड प्रोसेस ऑफ द अल्ना नजर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये एक्सटेंसर के टेंडन्स हैं और ये फ्लेक्सर के टेंडन्स हैं, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले कट सेक्शन यहाँ लिया और हमें ये चीज़ नजर आ गई। अब हम जाएंगे मजीद ऊपर, ठीक है। ये होता है बच्चों बोन विंडो है और ये है हमारे पास कौन सी मसल विंडो है। आपने जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि बोन विंडो भी होती है और मसल विंडो भी होती है। बोन के लिए हमने बोन को देखना है उसको क्लिक कर देते हैं, मसल्स देखने तो उसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आसानी से क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं नीचे, अब जब हम मजीद जो है वो ऊपर चले गए, देखिए ये स्लाइस हो गया, अब स्लाइस ऊपर चला गया, अब यहाँ हमें क्या नजर आएगा, यहाँ पे हमें डेफिनेटली सारी कार्पल बोन्स नजर आएंगी, ठीक है जी। वो कौन कौन सी बोन्स हैं, अब हम देखते हैं ट्रेपीजियम, ठीक है जी, स्केफॉइड, कैपिटेट, हेमेट, ट्राइक्यूट्रियम और पिसिफॉर्म बोन है, ठीक है। अच्छा जी अब इसको हम अगर इस तरह मैं आपको कहूँ तो आप देखें इसको बेटा कोई कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है कि ये पाँव है, ये एल्बो है, ये शोल्डर है, ये कौन सा रीजन है। सीधी सी बात है छोटी छोटी सी इस तरह की हमारे पास बोन्स अगर क्रॉस सेक्शन इमेज में आएंगी वो कौन सी होंगी, वो कार्पल बोन्स होंगी, ठीक है। निमोनिक बना के याद कर लें अगर आपको ज़्यादा जो है वो मुश्किल लग रहा है तो, ये ठीक है। उसके बाद ये एक्सटेंसर फ्लेक्सर के टेंडन्स हैं, इस लेवल पर आप बहुत ज़्यादा चलें इसमें ना जाएं, मैं आपको नहीं कहती कि ये किस फ्लेक्सर डिजिटोरम का है या किसका टेंडन है, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि यहाँ पर टेंडन्स जो है वो किस किस शो हो रहे होंगे, ये एक्सटेंसर्स के हैं, ये फ्लेक्सर्स के हैं, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब मजीद क्या हुआ बच्चे, हम कहाँ चले गए हैं, मजीद ऊपर चले गए, ठीक है। यहाँ से शुरू किया था, एक स्लाइस इधर लिया, एक स्लाइस इधर लिया, अब एक स्लाइस ऊपर हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये देखें इस वाले स्लाइस में, देखें ये स्लाइस था, अब इस वाले स्लाइस को देखें यहाँ पे, ये आ गया मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, फर्स्ट मेटाकार्पल, ठीक है जी। फर्स्ट मेटाकार्पल हमें यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई है, यहाँ पे फर्स्ट मेटाकार्पल नहीं थी, हमारा स्लाइस नीचे था, जैसे ही स्लाइस ऊपर गया उसने फर्स्ट मेटाकार्पल को भी ले लिया बीच में, ठीक है। तो कार्पल्स बोन सारी उधर की उधर ही रही है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज ऐड हो गई है वो क्या है, फर्स्ट मेटाकार्पल आ गई है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। अब देखें ये वाला अगर मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, अगेन दिस इज वेरी इजी, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट मेटाकार्पल आ गया, ठीक है, फिर आपके पास आ गया ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। अब यहाँ पे तो बड़ा अच्छा सा एक जो है वो आपको जो है वो क्लू वुड वैसे ही मिल जाएगा कि ये हुक नजर आ गई है हमें, ठीक है। मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, हुक नजर आ गई, इसका मतलब है ये हुक ऑफ हेमेट है, हुक ऑफ हेमेट है, इसका क्या मतलब है कि ये सारी कौन सी बोन्स है, कार्पल बोन्स है, ओके। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो याद करना है तो आपको इजी हो जाएगा। अच्छा जी स्केफॉइड फ्रैक्चर ये हमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ओब्लीक व्यू में देखते हैं या लेटरल में देखते हैं, तो ये हमारे पास स्केफॉइड थी, इसका हमने ओब्लीक व्यू देखा, तो ये हमें स्केफॉइड बोन का फ्रैक्चर जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास हो गया हैंड सॉरी रिस्ट हो गई, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है, किसी बच्चे को नहीं क्लियर हुआ ये सारा कार्पल बोन्स वाला तो आप हैंड रेस कर दें।
अच्छा जी, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आ जाता है हमारे पास, अब हमने हैंड हो गया, अब हैंड में आ गए हैं हम, रिस्ट हो गई थी रिस्ट के ऊपर, अब हैंड आ गया है। कॉम्प्लिकेटेड डिजिटल फ्रैक्चर्स, आपको पता है बड़ी छोटी छोटी सी हमारे पास मेटाकार्बल बोन है, कोई भी आपने वेट लिफ्ट कर लिया है हाथ पे, प्रेशर आ गया है, कोई फॉल हो गया है, तो जो है वो इंजरी आ सकती है और फ्रैक्चर हो सकता है, जो कि हमें एक्सरे पे इतना क्लियर नजर नहीं आ सकता। तो हम इस तरह से सीटी स्कैन की इमेज लेते हैं, ठीक है। रिसर्जिकल हैंड मल्टीप्लेनर रिफॉर्मेशन और क्रोनल हैंड मल्टीप्लेनर रिफॉर्मेशन, यानी कि डिफरेंट हमने प्लेन्स के साथ उसमें जो है वो इस तरह से इमेज ले लिया। अब अगर यहाँ पे हमें सेकंड मेटाकार्पल का इधर फ्रैक्चर होता हमें नजर आ जाएगा, इधर होगा नजर आ जाएगा, जहाँ भी होगा वो नजर आ जाएगा। ये विंडो पर डिपेंड करता है कि कौन से विंडो जो है वो हमने इस वक्त जब सीटी लिया था तो लगाई हुई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब बड़ा होगा तो हमें इजीली जो है वो विजुअलाइज हो जाएगा। ये इस वक्त वैसे मसल विंडो जो है इन्होंने ओपन की हुई, अगर हम बोन की करते तो हमें प्रॉपरली बोन जो है वो पूरी वाइट वाइट नजर आ रही होती है, ठीक है। तो अगर हमने मेटाकार्पस को देखना है तो हम क्रोनल और सेजिटल पेन के अंदर सीटी करके उनको इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो वी आर बेसिकली डन विद द बोथ अपर लिम्ब, ठीक है जी, जिसमें मैंने आपको शोल्डर बताया है, उसमें मैंने आपको बताया किस तरह सेक्शन वाइज आपने पढ़ना है, फिर मैंने आपको एल्बो बताया, एल्बो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने सेक्शन वाइज पढ़ना है, और इसी तरह से फिर मैंने आपको हैंड का बताया और मैंने आपको बताया है सेक्शन वाइज पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो जब भी आपने पढ़ना है आपने फील्ड ऑफ विजन जो मैंने आपको बता दिया है कि हमने जो है वो पहले डिसाइड कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक स्लाइसेस करने हैं, ठीक है। आप कोई ब्रेड पकड़ेंगे तो आप उसको स्लाइस करने होंगे, तो आप सोचेंगे ना कि मैं यहाँ से स्लाइस शुरू करूंगी और इधर स्लाइस खत्म करूंगी, ठीक है। तो इसी तरह से केक कट करना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, केक पहले सोच लेते हैं कि स्लाइस इधर से कट करेंगे और इतने स्लाइसिस हम बनाए करेंगे इसके, ठीक है जी, चार करेंगे पाँच करेंगे। तो सेम वे फील्ड ऑफ विजन में हमने कटिंग के लिए जो स्लाइसिस हैं वो माइंड में पहले सोच लेने हैं। सीटी से पहले आपने फील्ड ऑफ विजन दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलता जाएगा कि जो है वो स्लाइसेस किस तरह से आ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हम लोअर लिम में। लोअर लिम में हमारे पास आपको पता है तीन मेजर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है और एंकल एंड आर द फुट जॉइंट है, ठीक है। तो ये हम तीन जो है वो उसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, हिप जॉइंट आ गया हमारे पास। अच्छा जी, अब अगेन बेटा इसमें भी प्लेन रेडियोग्राफ पहले हमने ले लिया और हमने इसमें देख लिया, ठीक है जी। प्लेन रेडियोग्राफ में हमारे पास इलियम बोन थी, एसेटाबुलम था, सैक्रम नजर आ गई हमें, इसियल टॉबरोसिटी पता चल गई, हेड ऑफ फीमर पता चल गया, नेक ऑफ फीमर पता चल गया, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, शाफ्ट, ठीक है, वो सारा हमने देख लिया और उसको हमने जो है वो विजुलाइज करके देख लिया कि यहाँ पे क्या फ्रैक्चर है या जो भी एबनॉर्मलिटी है या जो भी हमने पेशेंट कंप्लेंट के साथ था उसके साथ हमने इसको एक दफ़ा प्रॉपरली विजुलाइज कर लिया। अच्छा जी, सीटी स्कैन इंडिकेशंस फॉर द हिप इमेजिंग ऑफ द हिप जॉइंट पेन, ठीक है। कोई पेशेंट को इस तरह की स्वेयर पेन आ रही है, आपको पता है डिफरेंट स्केल्स होते हैं पेन के, जिसके लिए हमें लग रहा है कि पेशेंट जो है वो फ्रैक्चर के साथ सस्पेक्टेड है, या कभी कभी ऐसा होता है बेटा इतनी शूटिंग और शार्प पेन पेशेंट को आ रही होती है और उसका रीज़न ये भी होता है कि हमें नहीं पता होता और हमारा अंदर कोई जो है वो कैंसर सेल जो है वो डेवलप हो चुके होते हैं, ठीक है, और वो स्प्रेड हो रहे होते हैं जाके आपके सराउंडिंग मसल्स को, लिगामेंट्स को इंजर कर रहे होते हैं, ठीक है, और एकदम से पेशेंट को शूटिंग पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो पेन यहाँ लिखने का ये मकसद है कि पेन का जो इंटेंसिटी है वो हमारे पास बहुत सीवियर होगी, जिसे हमें सीटी कराना पड़ेगा, ठीक है। देन को ट्रॉमा की हिस्ट्री आ गई, स्वेलिंग हो गई, स्वेलिंग हमें लग रही है, अगेन वही बात है कि ट्रॉमा इस तरह का था जिससे हमारे जो इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं वो हमें बता रहे हैं कि यकीनन पेशेंट को जो है वो कोई फ्रैक्चर हुआ होगा या किसी जो है वो सीरियस इंजरी की तरफ पेशेंट गया होगा, ठीक है। मैंने आपको शायद बताया, आपने एससीबीज पढ़ी होंगी, आपने उसमें देखा होगा कि हिस्ट्री जब हम पेशेंट की लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें उसी से पता चल जाती हैं, पेशेंट गिरा किस तरह है उसी से पता चल जाता है कि उसका फ्रैक्चर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये आपको विद पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस पता चल जाएंगी चीज़ें, सस्पेक्टेड इन्फ्लेमेशन और ट्यूमर्स। अच्छा जी, अब हम इसके देख लेते हैं सीटी स्कैन के इमेजेस। अच्छा जी बच्चों, ये है हमारे पास सबसे पहला हिप का जॉइंट का। अच्छा, अब इसमें भी हम देख लेते हैं, हमने फील्ड ऑफ विजन पहले डिसाइड कर ली है जी, हमने यहाँ से शुरू करना है और हमने यहाँ तक जो है वो फील्ड ऑफ विजन आना है, यहाँ से स्लाइस शुरू होगा और लास्ट स्लाइस हमारा यहाँ तक आएगा, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब हम स्लाइसिस में जाते हैं, ये हो गई बोन विंडो, ये हो गई मसल की विंडो। अच्छा जी, अब इसमें हम जो है वो हमें क्या नजर आ गया, हेड ऑफ फीमर नजर आ गया और साथ हमें ये क्या नजर आ गया है, हेड ऑफ फीमर किसके अंदर होता है अटैच, एसेटाबुलम के अंदर अटैच होता है। अब खबरदार कि किसी बच्चे ने इसको जो है वो क्या किया, मिक्स कर दिया पकड़ के शोल्डर के साथ, ठीक है जी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ फिर से, ये शोल्डर में हमारे पास किस तरह से ग्लिनोइड लेब्रम थिक एक हार जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है, इसको इसके साथ कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, ग्लिनोइड लेब्रम है, पूरा साथ स्कैपुला अटैच हुआ हुआ है। अब इसीलिए मैंने आपको दोबारा से इमेज दिखाया कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं फटाफट कि भाई वो भी बॉल था ये भी बॉल आ गया, तो ये बॉल तो सॉकेट जॉइंट था हमारा, शोल्डर था, दोनों बॉल इन सॉकेट जॉइंट है, हिप जॉइंट भी और शोल्डर भी, ठीक है। बट ये जो फीमर का हेड है
वॉल है वो किसके साथ के अंदर अटैच हुआ होता है, एसिटाबुलम के, और एसिटाबुलम और स्कैपुला हमारे पास दोनों डिफरेंट इमेज शो करा रहे होते हैं, ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जी, हेड ऑफ फीमर हो गया, एसिटाबुलम के हमारे पास बेसिकली दो कॉलम होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर कॉलम, तो हमें फर्स्ट स्लाइस के अंदर ये मिल गया, यहाँ पे हमने देखा था हमें हेड ऑफ फीमर मिल गया और ये एसिटाबुलम मिल गई, ठीक है जी, उसके दोनों कॉलम नजर आ गए, ओके। अच्छा उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं, मसल्स को अभी इतना ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे नहीं बताती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि ये जो साथ हमारे पास एक प्रोजेक्शन नज़र आ रही है, तो हमें पता है ना सारे मसल्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये जो है एक प्रोजेक्शन है, ये क्या है, तो ये जो है वो प्रोजेक्शन बेसिकली क्या है, ब्लैडर है, ठीक है, ये स्लाइस ली थी ना, तो यहाँ पे ब्लैडर पड़ा हुआ होगा, तो ये हमें ब्लैडर नज़र आ रहा है, ओके। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में अब हम आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया फीमर का हेड, ठीक है जी, फीमर के हेड के बाद ये आ गई हमारे पास नेक ऑफ द फीमर, जो कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं नेक ऑफ द फीमर के फ्रैक्चर के, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या आ गया, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर आ गया, ठीक है, तो ये पूरी बेसिकली फीमर बोन है जो कि हमें क्रॉस सेक्शन में इस तरह की नज़र आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे जो है वो क्या है, यहाँ पे हम अगेन देख लेते हैं कि ये आपको क्या नज़र आ रही है, ठीक है जी, ये है हमारे पास प्यूबिक बोन, ठीक है, प्यूबिक बोन है, और प्यूबिक बोन के पास आपके पास जो ये है बेसिकली ये क्या है, ईस्टियर ट्यूबरोसिटी है। अब अगेन वही बात है जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप स्लाइस देख लें, स्लाइस कहाँ चला गया है, ये नीचे आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या नजर आएगा, हेड ऑफ फीमर नजर आना चाहिए, नेक ऑफ फीमर भी आ गई है इसके अंदर, ठीक है जी, नेक ऑफ फीमर नजर आनी चाहिए, ईस्टियर ट्यूबरोसिटी नजर आनी चाहिए, ईस्टियम नजर आनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या नजर आनी चाहिए, प्यूबिक बोन भी इसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए आपको चूंकि अभी आप लोग सीख रहे हैं इसलिए बार बार आपको कह रही हूँ कि फील्ड ऑफ विजन को जो है वो माइंड में रखें, साथ साथ फील्ड ऑफ विजन देखें और साथ साथ सीटी का क्रॉस सेक्शन देखें, तो आपको ऑटोमेटिकली रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद बच्चे नेक्स्ट स्लाइस आ जाती है, ये वाली स्लाइस, अच्छा जी, अब ये स्लाइस आ गई, इस स्लाइस में अब हमारे पास अगेन जो है वो हमने देख लिया कि ये फीमर थी और ये हमारे पास कौन सी बोन आ गई है, प्यूबिक बोन है, ठीक है। अच्छा अब क्योंकि स्लाइस से नीचे जाते जा रहे हैं, अब हम यहाँ आ गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें फीमर नजर आएगी, नेक ऑफ द फीमर नजर नहीं आएगी, एसिटेबुलम नजर नहीं आएगा, ठीक है, क्या नजर आएगा, सिर्फ फीमर नजर आएगी और ये जो ईस्टियल बोन है वो नजर आएगी, ठीक है, क्योंकि फील्ड ऑफ विजन जो है वो नीचे आ गया। अच्छा अब यहाँ पे बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो क्या है कि मसल्स हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि नीचे आ गए हैं तो यहाँ पे हमें जरा मेजर जो कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के मसल्स हैं वो नजर आ रहे होंगे, ठीक है जी, वास्टस जो है वो इंटरमीडियस, वास्टस लेटरलस और ये है वास्टस कौन सा, मीडियलस, ठीक है, तो ये तीन मसल हमने फटाफट यहाँ पे देख लिए कि जी के जो हेड के पास पड़े हुए थे, फीमर के हेड के पास पड़े हुए थे, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने कौन से मसल देखा, जो यहाँ पे मेजर मसल पड़ा हुआ है वो इलियोस्वास है, इलियोस्वास से आगे जो है वो हमारे पास कौन सा पड़ा हुआ है, रेक्टस फेमोरस, और उसके साथ हमारे पास जो पड़ा हुआ है वो कौन सा है, सार्टोरियस मसल है। अब अगर आपको याद हो कि कंपार्टमेंट्स में कौन कौन से मसल होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आप लोगों को चूँकि मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा बेसिक्स अभी नहीं आ, तो उसको रिवाइज कर लें ताकि आपको ये मसल्स की जो मसल्स जो है विजुलाइज करने सीटी पे वो भी इजीली पता चल जाए, ठीक है जी। रेक्टस वास्टस मीडियलस हो गया, लिटरेटस हो गया, इंटरमीडियस हो गया, ठीक है जी, इलियोस्वास हो गया, इलियोस्वास के साथ फिर आपके पास पड़ा हुआ है रेक्टस फेमोरस, और फिर यहाँ पे कौन सा पड़ा हुआ है, सार्टोरियस पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब फिर वही बात है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, प्यूबिक बोन है, प्यूबिक बोन के पास आपको पता है कि एक्सटर्नस ऑब्टुलेटस एक्सटर्नस इंटरनस ये वाले मसल्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है। एडक्टर का जो हमारा ग्रुप है वो वाला अटैच हुआ होता है, ठीक है, एडक्टर मसल्स यहाँ पे अटैच हुए होते हैं, ये सारा हमारा एडक्टर का पार्ट होता है, तो यहाँ पे हमें कौन से मसल मिलेंगे, एडक्टर्स मिलेंगे, ऑब्टुलेटर एक्सटर्नल और इंटरनस मिलेगा, ठीक है। तो फील्ड ऑफ विजन से याद करेंगे तो आपको बड़ा इजीली जो है वो ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस स्लाइस के ऊपर। अच्छा बच्चों अब देखिए, जब मैंने आपको ये सारा पढ़ाया है तो हमारे पास यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस मिनिमस जो है वो इतने अच्छे से नजर नहीं आ रहे थे, ठीक है, वो अगर हमने स्टडी करने में, आपको पता है हमारे हिप के मेजर मसल्स हैं मीडियस मिनिमस और मैक्सिमस, ठीक है, पेरिफॉर्मिस मसल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है, उसमें हमने देखना होता है कि मसल टियर या रप्चर तो नहीं हुआ हुआ, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एट द लेवल ऑफ द एसिटेबुलर रूफ एक जो है वो इस तरह का स्लाइस सेक्शन ले लेते हैं और उसमें फिर हमें जो है वो हिप के ये दोनों फीमर के हेड नजर आ गए, ठीक है, और ग्लूटियस मिनिमस मैक्सिमस मीडियस और पेरिफॉर्मिस मसल नजर आ जाता है, ठीक है जी, ये आपका ब्लैडर पड़ा हुआ है और ये हमारी इंटेस्टाइन्स है, ठीक है। तो ये भी अगेन मैं आपको क्रॉस सेक्शन दिखाऊं तो ये तो बड़ा आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये हमारे पास बायलैटरल हिप का जो है वो इमेज है और हिप के हमारे मेजर मसल्स इसमें शो हो रहे हैं और ये हमने एसिटेबुलर के रूफ के लेवल पे लिया हुआ है, तो वहाँ पे मेजर मसल जो जो आपके मसल्स पड़े होते हैं, ठीक है,
वो हमारे पास मीडियस मिनिमस मैक्सिमस और पेरिफॉर्मिस मसल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसको याद करें तो आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से हमने शुरू किया था, हेड ऑफ फीमर नजर आ रहा था, एसिडाबुलम नजर आ रहा था, ईस्टियम नजर आ रही थी, फिर नीचे चले गए तो फीमर नेक की नजर आना शुरू हो गई, नेक के साथ साथ ईचर ट्यूबरोसिटी आ गई, उससे नीचे आ गए तो हमें फीमर और ईस्टियम प्यूबिस बोन नजर आना शुरू हो गई थी। ठीक है, अब उससे नीचे अगर हम जब गए तो हमें फिर क्या हुआ के साथ साथ मसल्स भी जो है वो इजीली विजुलाइज होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया कि हमने मजीद अगर देखना हो कि ग्लूटियस मीडियस मिनिमस पेरिफॉर्मिस को देखना हो तो फिर हम एसरबिलबुलम के रूफ के लेवल पे बायलैटरल इमेज जो है वो इस तरह का लेते हैं और उसमें हमें ये जो है वो ब्लैडर इंटेस्टाइन्स और ये मसल्स जो है वो इजीली विजुलाइज हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अब जो है वो ये मजीद नीचे कट सेक्शन में हम चले गए हैं। ठीक है, जो सैक्रम है, कॉक्सिक्स है बोन आपकी, उसको अगर हमने देखना हो, आपको पता है कॉक्सीडाइनिया जिसमें पेशेंट को सैक्रम बोन पे जो है वो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास पेशेंट आते हैं सैक्रम के फ्रैक्चर के साथ आते हैं। पेशेंट गिरा, सारा बॉडी का लोड जो है वो सैक्रम पे चला गया, फ्रैक्चर हो गया उसका। ठीक है, और बड़ी छोटी सी आपको पता है ये बोन है हमारी, बड़ी सेंसिटिव बोन है। ठीक है, जिन्हें नज़र आएगी हमें एक्सरे पे, इलियम ईस्टियम इसका फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करे ना पेशेंट का क्या ट्रॉमा की हिस्ट्री है। ये देखिए, ये आपको फ्रैक्चर नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये भी हमें फिर किस तरह नजर आएगा, क्रॉस सेक्शनल इमेज के अंदर ही नजर आएगा। ठीक है, नीचे हम चले गए तो ये आपको सैक्रम बोन नजर आ रही है। ठीक है, और ये हमारे पास इलियम बोन जो है वो पड़ी हुई है, ये सैक्रम फोरामेन है। फोरामेन अगर आपने नहीं भी याद रखा तो आप इसको ना याद रखें, बट एटलीस्ट आपको सैक्रम और इलियम जो है उसको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए क्रॉस सेक्शनल इमेज के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो क्या है, अगेन ये जो है वो हमने जिस तरह से मैंने आपको पहले दिखाया था कि हमने एसरबुलर के रूफ के लेवल पे लिया था, पर वहाँ पे हमारे पास कॉक्सिक्स जो थी वो विजुलाइज नहीं हो रही थी। ठीक है, तो हम मजीद एक लेवल नीचे लेंगे तो वहाँ हमारे पास जो है वो कॉक्सिक्स भी जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। और अगर पेशेंट को कॉक्सिक्स के लेवल पे पेन आ रहा है और हमने देखना है कि उस लेवल पे जो टेल का लेवल है पेशेंट का, उस पे पिन पॉइंट लेवल पे पेशेंट को कोई जो है वो फ्रैक्चर है या कोई मसल वहाँ पे टियर या इंजर तो नहीं हुआ हुआ, तो हम इस जो है वो विंडो के साथ उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया हिप। अगेन फील्ड ऑफ विजन के साथ साथ इसको चलेंगे तो आपको बड़ा इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को हिप तक का कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर दें ताकि फिर हम नी जॉइंट पे जो है वो यूज करें। बेटा मुझे ये बताएं कि आप सबको बहुत ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैम आ रहा है, दोबारा हम पढ़ेंगे तो शायद अच्छे से आ जाए। चले ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हमारी रेस्ट ऑफ द लेक्चर से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मुझे आपसे बार बार पूछना पड़ रहा है। आपने देखा था एक्सरेज, हमें थोड़ा सा पता होता है, आप बच्चों को आइडिया होता है चीज़ों का, हमने एटेंटिव पढ़ी हुई होती है, बट ये स्लाइसिस में जब आप आते हो तो उसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है। एनी वेज अच्छी बात है अगर आपको क्लियर हो रहा है। अच्छा बच्चों, अब अगेन नी आ गया, नी जॉइंट आई थिंक सबसे इजीएस्ट जॉइंट है जिसको हम सीटी स्कैन पे बड़ा इजीली जो है वो देख सकते हैं और उसको डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा हमें पता है जी, मीडियल एपिकंडाइल, लेटरल एपिकंडाइल है, पटेला है, हेड ऑफ फिब्यूला है, इंट्राट्रोकंडाइलर एमिनेंस हो गया, ये हमने सारा देख लिया। ठीक है जी, पेशेंट का प्लेन रेडियोग्राफ करा लिया। अच्छा जी, इंडिकेशंस क्या है, आर्थराइटिस है, कोई पस पड़ी हुई है, कोई एब्सेस है, बोन फ्रैक्चर हो गई है, इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ हुआ है, लिगामेंट टेंडन टियर्स हुए हुए हैं वो हमें नहीं पता चल रहे हैं, या कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है। अच्छा जी, अगेन जो है वो इंपॉर्टेंट बात आ गई बेटा, हमने जैसे सब रीजंस में फील्ड ऑफ विजन देखा था, इसमें भी फील्ड ऑफ विजन हमने डिसाइड कर लिया, वो क्या है जी, डिस्टल 1/3 ऑफ द फीमर थ्रू द प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ द टिबिया। ठीक है जी, डिस्टल फीमर और प्रॉक्सिमल टिबिया जो है वो हमने देख लिया कि हमने यहाँ से यहाँ तक के स्लाइसिस देने हैं और इंटायर पटेला इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी और हेड ऑफ फिब्यूला भी जो है वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है जी, ओके जी, सीटी स्कैन इमेजेस। ठीक है, ये हमारे पास इमेज आ गया, फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल इमेज है। ठीक है, ये बेसिकली आर्थ्रोग्राम है जो कि डाई इंजेक्टर के जो है वो इमेज है, इसलिए आपको इस तरह का ये जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, मसल विंडो के साथ है। ठीक है, इसमें मसल हमें ज़्यादा क्लियरली जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसमें मेरा ख्याल है आपको ज़्यादा कोई बताने की जरूरत नहीं है कि ये फीमर है, ये टिबिया है और ये आपका पटेला है, फीमर होगी और ये टिबिया होगी। अच्छा, उसके बाद पोस्ट आर्थोग्राम सीटी स्कैन इमेज। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आर्थोग्राम था, हमने को डाई इंजेक्ट किया और उसके बाद हमने ये इमेज ले लिया। अब इसमें
ज्यादातर आपको पता है जो नी की इंजरीज होती है उसमें एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी हो सकती है, प्रोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी हो सकती है, ठीक है जी, मेनिस्काइस की इंजरी हो सकती है हमारे पास जो नी के लिगामेंट्स है, नी में बहुत ज्यादा इंजरीज होती है, बच्चों में भी आपको मिलेंगी, स्पोर्ट्स मैन में भी आपको इंजरीज मिलेंगी नी की, ठीक है, जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं उसमें भी मिलेंगी, एजेंट लोगों में भी आपको नी की इंजरी मिलेगी, ठीक है, नी के बहुत सारे हमें विषय मिल रहे होते हैं, और मेजर रीजन जो है वो नी के सॉफ्ट टिश्यूज जो है उनकी इंजरी का होता है, ठीक है, तो हम इसलिए बड़े ज्यादा यहाँ पे डेलिकेट जो है वो छोटे छोटे टिश्यूज भी हैं, मेनिस्काय भी हैं, कार्टिलेज भी है, इसलिए हम इसको जो है वो आर्थोग्राम के ऊपर जो है वो देखते हैं ताकि हम जो है वो प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकें और उसी तरह से उसका ट्रीटमेंट कर सकें, ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल इमेज आ गया, इसलिए मैंने आपको कहा था कि बड़ा ईजी होता है इसको डायग्नोज करना सिटी के ऊपर, ठीक है जी, ये हमारे पास नजर आ गया है, हमने लिया इमेज, ठीक है जी, तो ये आपको टिबिया नजर आ गई और साथ उसके पटेला जो है वो हमें नजर आ गई है, ठीक है जी, ये फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल इमेज हो गया, उसके बाद आई थिंक एक सेकेंड, हाँ जी, अच्छा जी, अब बच्चे एट द सीटी स्कैन हमने किसके लेवल पे लिया है, सुप्रा पटेलर लेवल के ऊपर, ठीक है, अब अपने लेग के ऊपर आपने ये जो है ना वो देख लेना है कि मेरे लेग का अगर क्रॉस सेक्शन मैं करूँ, ठीक है, एक स्लाइस करूँ, तो मैं अगर सुप्रा पटेलर लेवल के ऊपर रह के करूँ तो मुझे क्या नजर आएगा, ठीक है, तो ये तो हमें जो है वो नजर आ गई, पटेला नजर आ गई, ठीक है, इसके साथ अब अगर आप लोगों को याद होगा कि सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडेनोसिस, बाइसेप्स फेमरस, ठीक है, ये सारे मसल हमारे लेटरल साइड पे जाके इनकी अटैचमेंट हो रही होती है, ठीक है, तो ये हमें नजर आ जाएंगे इसके अंदर, जब हम एक क्रॉस सेक्शन लेंगे, ठीक है, सार्टोरियस मसल, वास्टस मीडियलस, वास्टस लेटरलस, और जो है वो क्वाड्रिसेप्स का ग्रुप ऑफ मसल, वास्टस मीडियलस, लेटरलस और इंटरमीडियस मसल, जो कि बेसिकली हमारे क्वाड्स का ग्रुप है पूरा, ठीक है, ये भी नजर आ जाएगा, और सेमी मेम्ब्रेनोसिस, टेंडिनोसिस, बाइसेप फेमरस और सार्टोरियस। अब अगेन बेटा इसमें रटलाइजेशन की बात नहीं है कि आपको पता है कि अगर आपको पता होगा कि लेटरली हमारे पास किसकी अटैचमेंट हो रही होती है, तो बाइसेप फेमरस अटैच हो रहा होता है, फिर उसके साथ सेमी मेम्ब्रेनोसिस अटैचमेंट होती है, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है कि मीडियलस, लेटरलस और इंटरमीडियस की अटैचमेंट जो है वो किस तरह से होती है, तो ये आप एक जो है वो हमने देख लिया क्रॉस सेक्शन में, उसके बाद जो है वो क्या आ गया है किसके लेवल पे, एट द पटेलर लेवल, ठीक है, पहले हमने लिया था सुप्रा पटेलर लेवल के ऊपर, यानी कि बिल्कुल एक ऊपर से इमेज लिया था, अब हम नीचे आ गए उसके जो है वो मजीद आ गए किसके लेवल के ऊपर, पटेला के लेवल के ऊपर आ गए हैं, ठीक है, तो इसमें जब पटेला के लेवल पे आए तो पटेला की आपको पता है कि अटैचमेंट होती है टिबिया के साथ, तो टिबिया भी हमें उसके अंदर नजर आएगी, ठीक है, तो टिबिया नजर आ गई, पटेला नजर आ गई, और हमने ये इमेज क्यों लिया, क्योंकि हमने देखने थे गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के मीडियल और लैटरल हेड्स को, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है जी, गैस्ट्रोक्नीमियस की हमने बेसिकली हेड्स लेने थे, जिसकी वजह से हमने जो है वो इस लेवल पे दिया, मैं आपको जरा हेड्स दिखा दूँ, ये देखें गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के ये दो हेड्स होते हैं आपको पता है, ठीक है, तो ये जो मीडियल और लेटरल हेड है हमारे पास, इसको अगर हमने देखना तो हमें इस लेवल के ऊपर स्लाइस को लेना पड़ेगा, तभी हमें ये दोनों जो है वो अच्छे से क्या होंगे, नजर आएंगे, ठीक है बच्चों, तो अगेन वही बात है, एनाटॉमी जरा थोड़ी सी रिवाइज करें तो आपको ये सारा बड़ा अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है, साथ हमारे पास बाइसेप फेमरस लगा हुआ है, सार्टोरियस वैसे ही नजर आ रहा था, और आईटी बैंड जो आपके पास, आईटी बैंड इलिजिबल ट्रैक सिंड्रोम होता है हमारे पास, ये भी पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसलिए हमें ये भी अगर सीटी के ऊपर देखना हो तो हम इस लेवल के ऊपर देखेंगे, ठीक है, तो आप लेवल के अकॉर्डिंगली याद रख लें कि अगर पटेला के लेवल पे हमने देखेंगे तो क्या नजर आएगा, और फिर हम थोड़ा सा जब जो है वो सुप्रा पटेला लेवल पे, और जब पटेला के लेवल पे आ जाएंगे तो डेफिनेटली पटेला की अटैचमेंट टिबिया के साथ है, और वहाँ पे हमारे पास जो है वो गैस्ट्रो के हमारे पास दो हेड्स नजर आएंगे और आईटी बैंड हमें साथ नजर आएगा, अच्छा जी, उसके बाद जो है वो एट द टिबियल प्लेट्यू के लेवल पे ले लिया, ठीक है जी, टिबियल प्लेट्यू के लेवल के मतलब हम थोड़ा सा लेग से नीचे आ गए हैं, जब नीचे आ गए तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो मीडियल और लेटरल हेड तो नजर आ ही रहे हैं, हमारे पास कौन सा नजर आ गया है, एक तो पॉपलेटियस मसल नजर आ गया और प्रोनियस लॉन्गस मसल हमें नजर आ गया, ठीक है, तो अब अगेन बेटा ये देखिए यहाँ से हमने ऐसे किया, पे सुप्रा पटेलर लेवल पे लिया, फिर पटेलर लेवल के ऊपर लिया, फिर टिबियल प्लेट्यू के लेवल के ऊपर लिया, ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से कट 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 सेक्शन करते करते स्लाइसेस हम नीचे आते गए हैं, ठीक है, तो इसको इस तरह से आपने याद करना है, अच्छा जी,
अब बच्चे ये एक इमेज है, ठीक है जी, इसमें अगेन आपको पटेला नजर आ गया, टिबिया नजर आ रही है। जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे कि ये देखिए स्ट्रीट आर्टिफैक्ट नजर आ गया है, और ये हमारे पास कोई एक्सटर्नल फिक्सेटर है जो कि पेशेंट ने लगाया हुआ था, और वो भी सीटी स्कैन के अंदर आ गया। ठीक है, अब इसी एक्सटर्नल फिक्सेटर की वजह से हमारे पास ये कोई जो है वो बीम डिस्टर्ब हुई, और उस बीम की वजह से ये हमें इमेज के ऊपर एक आर्टिफैक्ट नजर आ गया। अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आप कह देंगे जी, फटाफट आप कह देंगे जी टिबिया का तो ये कोई फ्रैक्चर है जो कि हमें क्रॉस सेक्शन में नजर आ गया। नो, हमेशा से देखा करें ये एक आर्टिफैक्ट है, बिकॉज ये पूरी जो है वो क्रॉस सेक्शनल जो हमारा स्लाइस है उसको कट करता हुआ जा रहा है। ठीक है, वो सिर्फ यहाँ पे नहीं है, यहाँ से यहाँ तक होता तो हम कह भी देते कि जी फ्रैक्चर हो गया, बट इसने पूरी, क्योंकि इमेज डिस्टर्ब हुआ ना, रे डिस्टर्ब हुई है इस फिक्सेटर की वजह से, तो क्या हुआ कि उसने एक पूरी बीम डिस्टर्ब हुई और उसने पूरे स्लाइस को जो है वो हमारे जो है वो उसमें आर्टिफैक्ट शो कर दिया। ठीक है, तो ये अगेन आपको इजीली पता चल रहा है कि ये जो है वो मीडियल और लैटरल एपिकंडाइल है। यहाँ पे हमें मजीद नीचे कट सेक्शन में गए तो एक पटेला नजर आ गई है। ठीक है बच्चों, अब इसलिए मैंने आपको कहा था कि पटेला या नी को देखना बड़ा ईजी होता है, क्योंकि आपको एक पटेला जो छोटी सी बोन साथ नजर आ जाती है कंडाइल्स के, तो वो हम इजीली उसको जो है वो डायग्नोज कर लेते हैं कि ये हमारा जो है वो क्या है, नी ज्वाइंट है, और ये पटेला है, और ये टिबिया के मीडियल और लैटरल एपिकंडाइल है। अच्छा जी, अगेन इसमें हमें आर्टिफैक्ट पटेला और यही नज़र आ रहा है। ठीक है, ये अगेन एक इमेज है जो कि हमने नेक्स्ट स्लाइस के ऊपर ले लिया है, इसमें कुछ ऐसे डिफरेंट नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें भी हमारे पास लैटरल और मीडियल एपिकंडाइल है, आर्टिफैक्ट नज़र आ रहा है, और पटेला है, और पटेलो फेमोरल जॉइंट है। ठीक है, इस इमेज में हमें ज़रा पटेलो फेमोरल जॉइंट नहीं नज़र आ रहा था, तो हमने मजीद स्लाइस को जो है वो नीचे लेके गए हैं ताकि हम पटेलो फेमोरल जो जॉइंट है उसके लेवल पर स्लाइस देख लें, क्योंकि मैंने आपको बताया था पटेलो फेमोरल पेन सिंड्रोम जो होता है। ठीक है, जो हमने एक्सरे पढ़ा था तो उससे मैंने आपको बताया था, एक स्पेशल व्यू भी इसके लिए बताया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इसके भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं। ठीक है, तो पटेलो फेमोरल जॉइंट के लेवल पे भी आपको सीटी स्कैन का पता होना चाहिए। अच्छा जी, सारे वही वाले हैं बच्चे इमेजेस, इसमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ये था कि सबसे ऊपर वाले में हमें पटेला विजुलाइज नहीं हो रही थी। ठीक है, फिर हमने उस पटेला को मजीद नीचे स्लाइस करके विजुलाइज किया, और उसके बाद मजीद नीचे एक स्लाइस देखा हमने पटेलो फेमोरल जॉइंट के लेवल के ऊपर। ठीक है, कि अगर हमने यहाँ पे देखना है, ठीक है, एक आर्टिफैक्ट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट जो था वो एक पॉइंट था, जो कि अगर आपको किसी भी इमेज के अंदर अगर कोई इस तरह का आर्टिफैक्ट नजर आता है तो वो आपको जो है वो उसको भी असेस करना आना चाहिए। ओके जी, सो ये हो गया हमारे पास नी जॉइंट। अच्छा, ये हो गया हमारे पास नी जॉइंट, और अब हम जाते हैं किसके ऊपर, एंकल जॉइंट के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आई थिंक कि आपको किसी को मसला है तो हैंड रेज कर लें, फिर जल्दी से हम मूव करें आगे, क्योंकि टाइम भी ख़त्म होने वाला है। अच्छा जी, नहीं है इशू, एंकल एक्सरे में आ जाते हैं बच्चे। एंकल एक्सरे में अगेन वही बात है, सीटी स्कैन के लिए पहले अगेन हमने इमेज ले लिया, हमने देख लिया जी मीडियल लेटरल मेलोलस है, फिब्यूला है, टिबिया है, और यहाँ पे हमारे पास ये सारी बोन्स नज़र आ रही हैं। ये हम आगे जाके इसको मैं आपको मजीद दिखाती हूँ। अच्छा जी, इंडिकेशंस, एडिमा, डिसलोकेशन हो गया, जॉइंट की फ्यूजन है, आर्थराइटिस है, बॉडी लोकलाइजेशन देखनी, कोई फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है। ठीक है, चली गई, हमें नहीं पता, कोई आपको पता है फॉरेन बॉडी यहाँ पे पाँव में, कोई गन शॉट इंजरी भी हो सकती है। ठीक है, किसी को पाँव पे गोली लग गई है, हमें नहीं पता कहाँ पे चली गई है वो गोली, उसको हमने इंडिकेट करना है। ठीक है, वो भी हम देख सकते हैं। एंकल स्प्रेन हो गया इंजरी के बाद, एंकल स्प्रेन आपको पता है आपको बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे, और जो है वो बड़े डिफरेंट एंकल के साथ, हर बंदा हर पेशेंट आपको आके बताएगा कि कोई कहेगा मेरा पाँव ऐसे मुड़ा था, कोई कहेगा ऐसे मुड़ा था। ठीक है, तो एंकल स्प्रेन को भी हम देखने के लिए सीटी करा सकते हैं। एचडी टेंडन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है पेशेंट्स में। ठीक है, इसके लिए भी इसको अगर हमने विजुलाइज करना है, ठीक है, वो भी देख सकते हैं। उसके बाद डायबिटिक फुट है, अगर कोई जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड किया हुआ है और अगर हमने देखना है तो उसके लिए भी हम सीटी करा सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसके इमेजेस। अच्छा बच्चों, ये जो है वो आप इसको इग्नोर करें, इसके ऊपर फोकस करें। ठीक है जी, ये हमारे पास कैल्केनियम बोन आ गई है, ये कैल्केनियम क्यूबॉइड जॉइंट है, क्यूबॉइड बोन आ गई है, ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्यूनिफॉर्म बोन्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, फिर ये मेटाटार्सस हैं, ये फ्लैंजेस आ गई हैं। ये एक जो है वो बेसिकली बोन विंडो थी। ठीक है, और डिपेंड करता है कि पेशेंट की जब ये ली गई थी तो उसमें हमने क्या देखना था, इसी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इमेज लिया गया है। ज़्यादा आपको यहाँ से समझ आएगा। अगेन बेटा वही बात है, सबसे पहले हमने फील्ड ऑफ विजन देख लेना है कि हमने पाँव का सीटी स्कैन लेना है, कहाँ से कहाँ तक हमने इमेज लेना है। ठीक है, तो हमने डिसाइड कर लिया जी हमने यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक हमने आना है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह का, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ से बच्चे हमने शुरू किया, सीधी सी बात है आपको नज़र आ रही है ये कौन सी बोन है हमारे पास पड़ी हुई, जो मेजर सबसे बड़ी पड़ी हुई है, टेलस बोन है। ठीक है, तो टेलस नज़र आएगी हमें यहाँ से। ठीक है जी, और उसके बाद हमें क्या नज़र आएगा,
ये नीचे पीछे कौन सी बोन पड़ी हुई है, फिब्यूला पड़ी हुई है, ठीक है, तो फिब्यूला नजर आएगी हमें दूसरी बोन, ठीक है, तो ये हमें आ गई टेलस नजर और ये हमें आ गई कौन सी, फिब्यूला बोन नजर आ गई, ठीक है। उसके बाद ये जो टेंडन्स अटैचमेंट है इस पर बेशक अभी आप इतना ज़्यादा जो है वो फोकस ना करें बिकॉज आपके लिए थोड़ा सा आई थिंक टफ होगा इस लेवल पे, बट एटलीस्ट कुछ इंडिकेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो बच्चे ये हमने बोन विंडो और मसल विंडो में देख लिया, तो ये आपको इसमें भी अगेन किसी चीज़ किसी और अभी तक हमने जितने इमेजेस देखे हैं सीटी के वो कोई इमेज ऐसा नहीं था जो कि आपको इस तरह का नजर आ रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास टेलस हो गई और ये हमारे पास कौन सी होगी साथ, फिब्यूला की बोन होगी, ठीक है जी। ये इधर हमने इमेज ले लिया, अब हम जाएंगे जी एक स्लाइस नीचे। जब हम एक स्लाइस नीचे गए तो हमें क्या क्या नजर आएगा देख लेते हैं, ठीक है जी। अब टेलस नजर आ रही थी, ठीक है, ये टेलस थी, तो ये हमें टेलस उधर की उधर ही रही है, लेकिन साथ हमारे पास क्या ऐड हो गई है, ये कौन सी बोन है आपके पास, कैल्केनियम है, ठीक है। तो कैल्केनियम हमें नजर आ रही है इसके अंदर मेजर बोन, तो ये कैल्केनियम बोन, क्योंकि आपको पता है सबसे मेजर जो लार्ज बोन होती है फुट में वो कैल्केनियम है, फिर टेलस है और फिर डिब्बा की बोन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नीचे साइज गए तो टेलस, टेलस के साथ हमें कैल्केनियम भी यहाँ नजर आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बाकी जो मेटाकार्पल बोन्स है वो भी नजर आनी चाहिए, ठीक है जी। वो कौन कौन सी है, सॉरी मेटाटार्सल बोन्स है, वो भी नजर आनी चाहिए, ठीक है जी। अब कौन कौन सी है हमारे पास, ये कौन सी पड़ी हुई है आपके पास, कैल्केनियम का ही आपको पार्ट था, ठीक है, ये होगी हमारे पास टेलस। अच्छा बच्चों, ये आपको पता है ना इस तरह की जो बोन होती है हमारे पास हॉरिजेंटल व्यू में, वो कौन सी बोन होती है, फुट की नेविक्यूलर बोन होती है, ठीक है। तो अब मैं अगर आपको इस तरह से इमेज दिखाती हूँ सीटी स्कैन का, तो ये हमारे पास कैल्केनियम हो गई, ये हमारे पास टेलस हो गई, और ये हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास इस तरह से हॉरिजेंटल प्लेस्ड बोन होती है वो कौन सी होती है, नेवी क्यूलर बोन होती है, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो उसमें कोई इतनी जो है वो ये जरूरी नहीं है कि आप इसमें मडटा लगाएं, ये हमें ऑटोमेटिकली एक इस तरह से लग रहा है जैसे एक पाँव का इमेज है, बच्चे का पाँव अगर आप देखें तो इसी तरह का होता है ना, ठीक है। तो ये हमें ऑटोमेटिकली एक पाँव का इमेज ही नजर आ रहा है। मैं आपको साथ साथ ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यही नहीं डायग्नोज करना आया देख के कि ये बॉडी का रीजन कौन सा है, अपर लिम है, लोअर लिम है, शोल्डर है या क्या है। आप लोगों ने हिस्टोलॉजी नहीं पढ़ी बेटा, जब हम लोग हिस्टोलॉजी पढ़ते थे तो उसमें हमें स्लाइड्स के अंदर टिश्यूज को जो है वो दिखाया जाता था, ठीक है, और हमें उसको डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल होता था। तो हम इस तरह से ही याद करते थे कि अगर कोई हमें बटरफ्लाई की तरह का इमेज नज़र आ रहा है तो वो स्पाइनल कॉर्ड होगी, ठीक है। अगर कोई हमें जो है वो इमेज नज़र आ रहा है चॉकलेट्स कलर का इस तरह का, तो वो हमारा पोरस होगा, चॉकलेट्स होगी, चॉकलेट कलर होगा, पोरस होगा, तो वो हमें बोन नज़र आएगी। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इस तरह से आप लोग भी याद किया करें ताकि आप एटलीस्ट आइडेंटिफाई जो है वो राइट कर सकें। अच्छा जी, अब हमने यहाँ से शुरू किया था तो टेलस नज़र आ रही थी, फिब्यूला नज़र आ रही थी, नीचे गए कैल्केनियम, टेलस और जो है वो कैल्केनियम और टेलस और नेविक्यूलर बोन नज़र आ गई थी। अब हमने क्या किया बच्चे, और नीचे चले गए, साइज और नीचे ले ली। जब और नीचे ले ली तो कैल्केनियम भी नज़र आ गई, टेलस भी नज़र आ गई, नेविक्यूलर भी नज़र आ गई, साथ क्या आना चाहिए, यहाँ पे कौन सी तीन हमारे पास बोन्स होती हैं एक साथ जो बड़ी होती हैं, क्यूनिफॉर्म बोन्स होती हैं, ठीक है। तो ये तीन हो गई क्यूनिफॉर्म, ये हो गई नेविक्यूलर, ये हो गई हमारे पास टेलस और ये हो गई हमारे पास कैल्केनियम। अगेन आप देखेंगे ये अगर मैं आपको कहूँगी इमेज तो ये ऑटोमेटिकली एक जैसे बच्चे का पाँव होता है ये हमें उस तरह का एक इमेज नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपने इसका बच्चे का पाँव ही नहीं बना देना, ये हमारे पास बोन्स जो हैं उसी तरह ही आपने इसको जो है वो याद करना है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू किया, यहाँ आ गए। अच्छा जी, लास्ट इमेज ये आ गया है हमारे पास और इसमें जो है वो अटैचमेंट कौन सी हो गई है। अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंकल सीटी, ठीक है जी। यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक हम आ गए हैं क्यूनिफॉर्म क्यूबॉइड बोन्स तक, ठीक है। क्यूबॉइड आई थिंक मैंने मिस कर दी थी कि क्यूबॉइड बोन थी आपके पास, ठीक है। और यहाँ से शुरू करना है आपने और यहाँ तक स्लाइसिस बनाने हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे आपने सीटी स्कैन के इमेजेस पढ़ने हैं जब भी शुरू करना है, पहले प्लेन रेडियोग्राफ माइंड में लाना है, प्लेन रेडियोग्राफ के बाद आपने फिर क्या करना है, फील्ड ऑफ विजन अपने माइंड में लेके आनी है कि हमने यहाँ से यहाँ तक स्लाइस बनाए हैं, ठीक है। फील्ड ऑफ विजन को माइंड में रखते रखते आपने सारे स्लाइसिस को जो है वो क्या करना है, पढ़ना शुरू कर देना है। फील्ड ऑफ विजन देखी, अनेटमी देखी, फील्ड ऑफ विजन देखी, उसके बाद फिर स्लाइसिस करके पढ़ना साथ साथ शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपको सारे जो स्लाइसेस हैं वो याद हो जाएंगे और आपको उसमें कोई रटरलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रेन का जो है वो डिस्कस करेंगे। जी जी मैम, टार्सल्स का व्यू कैसे नजर आएगा? हाँ जी बच्चे, आपने क्या क्वेश्चन किया फिर से करें मैम, टार्सल्स का व्यू कैसे नजर आएगा?
बेटा आप मुझे बताएं टार्सल बोन्स कौन सी होती हैं? मैम फुट में कौन कौन सी होती है, नाम बताए ना। नेम्स नहीं आते, भूल गए। एक सेकंड मैं आपको जरा इसको आसान कर देती हूँ आपके लिए, वेट अ मिनट। अच्छा जी, स्क्रीन नजर आ रही है बेटा, ये हमारे पास कौन सी बोन्स है? क्यूनिफॉर्म, क्यूबॉइड, नेविक्यूलर, पैलस, कैल्केनियम। ये टार्सल्स हैं। तो फिर अभी हमने टार्सल पढ़ी है ना, और मैम वो मेटा टार्सल्स मतलब आगे जो फुट की हो रहे हैं फेलेंजेस वगैरह उनके लिए हम नहीं करते? मेटाटार्सल्स के लिए भी करते हैं, लेकिन बेटा मेटाटार्सल्स ये होती हैं कि वैसे वो हमें एक्सरे पे नजर आ जाती हैं। मैंने वो इमेज ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने आपको ये शुरू में एक, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी आ रही है। अच्छा ये वाला मैंने आपको एक इमेज दिखाया था इस तरह का, ठीक है, जो शुरू वाला इमेज, तो इससे मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह का हम एक इमेज जो है वो ले सकते हैं और इसमें हमें मेटाटार्सल्स नजर आ जाएंगी। ठीक है, मेटाटार्सल्स को ऐसा कोई डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल नहीं होगा, मतलब ये फर्स्ट मेटाटार्सल है, सेकंड मेटाटार्सल है, थर्ड है, फोर्थ है, वो आपको बड़ा इजीली पता चल जाएगा। जो ज़्यादा मुश्किल आपको आइडेंटिफाई करना था वो था टार्सल बोन्स थी। ठीक है, तो जो टार्सल बोन्स थी वो हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल था, इससे मैंने आपको बता दिया है। जो मेटाटार्सल्स हैं वो आप इजीली उसको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, और किसी बच्चे काफी स्टूडेंट का ज्वाइन नहीं हो रहा जूम पे, मीटिंग नहीं ज्वाइन हो रही। ज्वाइन नहीं हो रही बच्चे, वो क्यों? मैम कोई इशू आ रहा है, नहीं पता। तो ग्रुप में काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आपसे कह दें कि उनका ज्वाइन हो रहा। बच्चे मैंने तो ऐसा बस मैंने तो आपसे फिर से वो आप सब भी मैम वो से हो रहा है, क्लासेस ज्वाइन नहीं हो रही जूम। अच्छा कोई आपके आप लोगों को यूनिवर्सिटी एंड से कोई प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज मैंने तो देखे आपके लिंक से कुछ भी नहीं ऐसा किया हुआ। चलिए रिकॉर्डिंग सुन ले। अच्छा देखिए बेटा, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, ये मेटाटार्स से हमें इजीली इस तरह से समझ आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, फ्रेंजेस भी ऐसे नजर आ जाएंगी, तो उसमें इतना ज्यादा कोई जो है वो कट सेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो आपको ऑलरेडी एक स्लाइस क्लियर इमेज इस तरह से जो है वो नजर आ रहा है, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, सो ये आपका आज का लेक्चर था। किसी बच्चे को नहीं समझ आई तो जल्दी से क्वेश्चन कर लें। अच्छा जी, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे ये बता दें कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो ऐसे कोई एक स्टूडेंट जिनकी मुझे मेल आई हुई थी कि जिनकी आज कोई फर्स्ट क्लास है, जो सेक्शन जिन्होंने चेंज किया है, सेक्शन चेंज करने के बाद कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनकी आज फर्स्ट क्लास है मेरे साथ यहाँ पे? कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है। ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसने ओरल क्लास टेस्ट नहीं दिया था, वो हैंड रेज करे। मेरी आज फर्स्ट क्लास है। आयशा आपने तो बच्चे मुझे कोई मेल नहीं की हुई। मैम मैंने सिर्फ आपको LMS पे एनरोल करने की मेल की थी। अच्छा एनरोलमेंट, आई डोंट नो बच्चे हो नहीं रही, मैंने बहुत ट्राई किया, मुझे दो तीन स्टूडेंट्स ने कहा एनरोलमेंट नहीं हो रही है, तो मैंने वो आपकी मेल फॉरवर्ड की हुई है। ठीक है, आपके लिए मैं वहां से ट्राई करती हूं कि मैं आपको एनरोल कर दूं। आपने क्यों सेक्शन चेंज किया है? मैम मैंने सेक्शन चेंज नहीं किया था, मेरा पैथोलॉजी का इशू आ रहा था तो उसके क्लास को रिमूव करने के लिए उन्होंने मुझे किसी और सेक्शन से रिमूव करके यहाँ पे डाल दिया, आप वाले सेक्शन में मुझे ऐड कर दिया ताकि मेरा वहाँ का क्लास ना हो। मिस माहिन के सेक्शन में थी, किस सेक्शन में थी? सेक्शन बी। बी में थी, कौन सी टीचर? दोस्त पर्सन कौन था बच्चे? मैम महीन शाद। चले अब मुझे तो नहीं पता कि वो क्या उन्होंने इस वक्त तक किस टॉपिक पे वो पढ़ा रही है बच्चों को, बट मैं आपको शेयर, आप मुझे मेल जरा दोबारा कर दें, मैं आपको तक ड्राइव लिंक आपसे शेयर कर दूं। जब तक LMS नहीं है ड्राइव लिंक के साथ जो है ना हमारे लेक्चर सारे वो पढ़ना शुरू करें। अब तो आपने इसी सेक्शन है ना, आप तो नहीं स्विच करना वो मैम, अभी यही रहेगा। चलें फिर इसी में रहे, वैसे ओरल टेस्ट हो गया, आई डोंट नो जो स्टूडेंट स्विच करके आ रहे हैं उनके लिए मुझे क्या करना है, बिकॉज हमने अपना 5% का ओरल टेस्ट ले लिया है। अच्छा कौन से बच्चे हैं जिन्होंने ओरल टेस्ट नहीं दिया बेटा, पता तो चल ही जाना है जब मैंने आपके पोर्टल पे मार्क्स डाले हैं, लेकिन हैंड रेज करें जरा। आप सब ने ओरल टेस्ट दिया जो इस वक्त क्लास में 66 स्टूडेंट्स हैं? यस मैम।
अच्छा चलिए, जिन्होंने नहीं दिया बेटा देखिए बुरी बात है कि आप टेस्ट में अपेयर नहीं हो रहे, मेरा तो इसमें कोई फायदा नहीं है, बल्कि मेरा तो एफर्ट कम हुई कि 10-15 बच्चों ने नहीं दिया, मुझे वाइवा नहीं लेना पड़ा, ठीक है। बट आपका नुकसान है कि आपने अगर 5, बहुत से बच्चों ने अच्छा भी दिया है, ठीक है, बहुत से बच्चों के 5% में से 5% है, बहुत ये जो है वो मतलब लेस भी है, 1% भी है बच्चों के, 1.5 इस तरह भी है, बट बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा भी दिया है, ठीक है, 5% तक दिया है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स के बेस पे लिया है, मैंने आपको कोई रटलाइजेशन वाली बेस पे उसको कंसीडर नहीं किया, लेकिन बेटा इसको साथ साथ पढ़ें क्योंकि रेडियोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट एक सब्जेक्ट है, अगर आप इसको नहीं फोकस करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा नहीं आएगा, और मेरे अकॉर्डिंगली तो रिजल्ट और इन सब चीज़ों से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो उससे आपने लर्न क्या किया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए पेपर को, एग्जाम को, क्विजेस को देख के आप लोग परेशान ना हो जाया करें कि हम पता नहीं अपीयर होंगे तो फेल होगा तो क्या होगा, अपीयर ज़रूर हुआ करें, ठीक है, विद कॉन्फिडेंस, बाकी जो है वो एफर्ट करें तो आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। किसी को क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज मैं क्लास एंड कर देती हूँ। अच्छा आप मार्क्स कब अपडेट करेंगी? बच्चे मेरा ना पोल्टर आज पता नहीं क्यों जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, मैंने तो आज ही अपलोड करने थे बट मंडे मेरा ऑफ है, तो इंशाल्लाह होपफुली बाय ट्यूसडे मॉर्निंग आई विल अपलोड। मैम हाईएस्ट आपने कितने दिए हैं? बच्चा मैंने अभी आपको बताया 5 में से 5% भी आए हैं, बहुत सारे बच्चों के जिन्होंने अच्छा सुनाया है, अच्छा डायग्नोज किया था, असेस किया था, बड़े इजी थे बच्चे। बस मेरे पास इस वक्त वो आई थिंक नहीं है इस वक्त पढ़ी हुई, अदरवाइज वो थोड़ा सा मतलब इमेज को मैंने टिल्ट किया हुआ था वो फ्रैक्चर ही, ठीक है जी, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर था, तो बच्चे ने क्योंकि इमेज टिल्ट था तो आपने उसको पकड़ के ओब्लीक बना दिया, ठीक है। स्पायरल फ्रैक्चर था, आप सारे बच्चे जो है वो स्पायरल फ्रैक्चर को ओब्लीक फ्रैक्चर कह रहे थे। इसी तरह से जो सेगमेंटल फ्रैक्चर था या कॉम्यूनिटेड फ्रैक्चर था उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे थे। कॉम्यूनिटेड फ्रैक्चर जिसमें बेटा आपके पास पीसीज आ जाते हैं बोन्स के, आप उसको बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्पायरल फ्रैक्चर कह रहे थे। स्पायरल में मैंने आपको बताया था कि सिंपल आपको बोन ट्विस्ट हुई नज़र आएगी, ओब्लीक में आपको ओब्लीक फ्रैक्चर नज़र आएगा। अच्छा एक और बात चलिए आपको और आसानी से समझाती हूँ, हमने पढ़ा था लाइन ऑफ फ्रैक्चर कि फ्रैक्चर की लाइन किस तरह होगी उससे आपने डायग्नोज करना है, ठीक है। तो बच्चे किस तरह से डायग्नोज कर रहे थे, आप लोग किस तरह से डायग्नोज कर रहे थे, आप देख रहे थे जी इमेज किस तरह से पड़ा हुआ है उस तरह से आप डायग्नोज कर रहे थे। हमेशा फ्रैक्चर लाइन को देखें, लाइन किस तरह से गुजर रही है, ओब्लीक गुजर रही है तो ओब्लीक फ्रैक्चर है, ट्रांसवर्स गुजर के जा रही है 90 के एंगल के ऊपर तो वो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, ठीक है। पीसीस के अंदर बोन हुई हुई है तो आप उसको बेटा किस तरह कह सकते हैं कि वो स्पायरल फ्रैक्चर है, आप मुझे बताएं, ठीक है। तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा इसको आप लोग सब बच्चे को मैं कहूँगी, अच्छे बच्चों ने स्कोर किए हैं मार्क्स, 5 में से 5 भी किए, पर कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको प्रेपरेशन की जो है वो ज़रूरत है, ठीक है। मिड टर्म्स आपको बताए आने वाले, तो इसलिए बेटा जितने भी अब हमारा आज 9th लेक्चर तक नेक्स्ट इंशाल्लाह 10th होगा, तो 10 लेक्चर्स हो गए हैं और अभी भी अगर आपको पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए तो फिर आपको मजीद भी आगे समझ नहीं आएगी, ठीक है। जी जी मैम, सिलेबस में 1 to 5 लेक्चर से जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ हमारा सिंगल लेक्चर था, एक ही था जो उसके अंदर हार्ट और लंग्स वाले तो कोई भी क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा बच्चे वो एक दो स्टूडेंट एक्चुअली मेरे पास जो एलएमएस पे जो अपलोड हुए हुए थे ना फर्स्ट 5 सेशन में, वो फर्स्ट 5 में आपका सीएक्सआर एएक्सआर आ रहा था चेस्ट और वो एक दो स्टूडेंट मैंने और मैंने उनसे कहा था कि अगर आपको ऐसे लग और नहीं आपसे क्वेश्चनिंग मैंने कर लिए क्योंकि एक दो क्वेश्चंस ही मैंने पूछे थे, तो मैंने उन स्टूडेंट्स का जो है वो उनको दोबारा रीअपेयर करके उनसे उन्हीं क्वेश्चंस मतलब अगर 3 क्वेश्चंस पूछे थे तो 3 क्वेश्चंस ही मैंने उनसे मजीद नेक्स्ट पूछ के सिलेबस में से वो कर लिया था कवर। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिनको लगता है कि उनसे क्वेश्चन वो वाले हो गए हैं हार्ट या लंग्स वाले, तो आप मुझे बेशक मेल करें, मैं रिकॉर्डिंग चेक करके आपसे उतने ही क्वेश्चंस पूछ के तो है वो आपका एड ऑन कर दूंगी उसके अंदर, ठीक है। मेरे पास जो 5 लेक्चर्स तक थे ना उसमें आपके पास एब्डोमिनल एक्सरे था एलएमएस पे जो था ना, 5 सेशंस मैंने आपको कहे थे, बस 5 सेशंस थे ना बच्चे उसमें वो अपलोड हुए हुए थे। इसी बेस पे लेक्चर्स की नंबरिंग में इशू है, जो हमारे तक पहुंचा वो कोई और थे और आपके पास कोई और थे। चलिए बेटा मैम वो एक दो ही स्टूडेंट है ना, सारी पूरी क्लास तो है, तो मैंने आपने मुझे कहा तो मैंने साथ ही मैंने कहा कि चलें शायद नंबरिंग में कोई मसला होगा, तो मैंने फटाफट आप किसी स्टूडेंट से और वो मजीद नहीं पूछा क्योंकि मुझे क्या है कि मैं आपसे गलत क्वेश्चंस करूं और आपके मार्क्स वहां पे डिडक्ट हो।
अगर भी मैम एक और क्वेश्चन था रिस्ट इंडिकेशंस, आपने एक मुझसे हार्ट पूछा था और एक आपने मुझसे रिस्ट इंडिकेशंस पूछी थी, जबकि जो लेक्चर्स थे उसमें एंकल की और एंकल की लास्ट जो स्लाइड में एंकल की इंडिकेशंस थी सारी, रिस्ट और शोल्डर की इंडिकेशंस तो उसमें थी नहीं। अच्छा बेटा, मैंने तो उसी दिन ही आपको था, आपको मेल की हुई थी वैसे सब बच्चों को ही कि बेटा देखिए वैसे कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, अब आप रिस्ट इंडिकेशन की अगर बात करेंगे ना, देखिए अगर हार्ट वाला आप मुझे कहें तो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है कि लंग्स और हार्ट आपके नेक्स्ट में था, बट रिस्ट इंडिकेशंस तो आपने हमने फर्स्ट लेक्चर से ही डिसाइड कर लिया था कि हमें एक्सरे कराने की क्यों जरूरत है। ठीक है मैम, वो तो ऑब्वियस है कि अगर कोई ट्यूमर है, फ्रैक्चर है, कॉपर बोन्स की डिसलोकेशन है, वो मैंने बोला, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जिस तरह होता है कि अगर आपकी फ्लेक्शन 90 डिग्री फ्लेक्शन नहीं हो रही या रेडियल डेविएशन नहीं हो रही, जो एग्जैक्ट आंसर्स होते हैं वो तो फिर ऑब्वियसली आप बगैर याद के नहीं बता सकते, रैंडमली आप बता दो कि मैम फ्रैक्चर हो गया इसलिए करा लिया, तो ये एग्जैक्ट आंसर थोड़ी ना हुआ। कहा है कि मैंने आपका कॉन्सेप्ट की बेस पे मार्क्स दिए मैं बच्चों को, ठीक है, रटलाइजेशन की बेस पे नहीं थी, क्योंकि आप में से किसी बच्चे ने रेडियोलॉजी की मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं सुनाई, रेडिएशन की नहीं एग्जैक्ट डेफिनेशन सुनाई, मैंने आपको दिया ही कॉन्सेप्ट की बेस पे, क्योंकि अभी तो हमने कुछ लेक्चर्स ही पढ़े हैं ना, तो मैंने आपको दिया ही कॉन्सेप्ट की बेस पे मार्क्स लगाए हैं। ठीक है, तो अगर आपने मुझे वहाँ तीन पॉइंट्स भी बता दिए ना कॉन्सेप्ट की बेस पे और मैं मुझे वो लगे कि वो ठीक है, तो वो आपका राइट आंसर कंसिडर हुआ। ठीक है, एक दो स्टूडेंट थे जिनसे लंग जोन्स, हार्ट प्रोजेक्शन पूछी मैंने, और एक और आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन था, वो एक दो स्टूडेंट थे, तो अगर आप में से वो स्टूडेंट्स कोई हैं तो आप मुझे मेल कर दें, मैं आपका एक छोटा सा जूम सेशन रख के उस क्वेश्चन को ओवरकम कर दूंगी। ठीक है, ताकि आपके मार्क्स की वजह से मैम मिड्स भी हमारे ऑनलाइन होंगे। बेटा अभी कुछ भी नहीं पता, ये आपके एग्जामिनेशन जो ब्रांच है वही हमें बताती है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, सुबह कोई मेल तो आई हुई थी, अब आई डोंट नो। ठीक है, आप देखते रहें, वो मेल सेंड कर रहे हैं, वहाँ से ही होगा, वो आपको बताएंगे क्या होगा क्या नहीं। अभी यूनिवर्सिटी ओपन करने का भी तो हमें कुछ ऐसे पता नहीं है ना, तो वो आपको वहीं से पता। मैम 7 का कहा था, मतलब हमें मेल आई हुई है 7, वो तो बच्चे आप देखिए पहले शायद 23 थी कुछ ऐसा था, फिर yes, वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है ना, जो गवर्नमेंट हमें इंस्ट्रक्शन देंगे हमें उसको फॉलो करना होता है। अब हो सकता है 7 से पहले 5 जून को कोई मीटिंग हो और उसमें कोई और हमें अनाउंसमेंट कर दे, तो अभी तो कुछ नहीं पता, अगर खुल गई तो डेफिनेटली हो सकता है आपको ऑन कैंपस हो या रिटर्न हो या जो भी हो, उसमें कोई अभी इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अपने साइड से आप लोग पढ़ाई पढ़ना जरूर शुरू कर दें। ठीक है बच्चों, तो एक दो स्टूडेंट्स थे वो जो हैं वो मुझे बता दें, मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेती हूँ, जूम सेशन रख लेंगे और उसमें मैं आपसे उसी तरह से जो रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स हैं उसमें से बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, बट जेन्युइन होना चाहिए क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग चेक करनी है, अगर रिकॉर्डिंग में गलत निकला है तो फिर क्या होगा कि मार्क्स आपके जो मिले हैं वो भी डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, यस मैम, हम मेल कर देते हैं, आप चेक कर लें रिकॉर्डिंग और फिर हम मेल। कौन कितने स्टूडेंट हैंड रेज करें जरा, जो कह रहे हैं कि उनको लंग जोन वगैरह वाला क्वेश्चन हो गए थे, हैंड रेज करें। अच्छा 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है फाइन, ठीक फाइन, आप मुझे मेल कर दें, मैं रिकॉर्डिंग आपकी चेक कर लूंगी और फिर उसको हमें एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।